हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वंस अगेन दिस इज प्रोफेसर धानी खंडेलवाल एंड लाइव फ्रॉम मुंबई। मेरे सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल इज वेल? कैसा चल रहा है सब कुछ? आप लोगों का काफ़ी मुझे एक मैसेज आ रहे थे, लाइक यू नो मेल्स आ रहे थे, फ़ोन आप कर रहे थे कि सर SCMP में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट? तो उसके लिए कुछ ऐसा क्रैश कोर्स टाइप आप बना दीजिए, राइट, जो कि नवंबर 22 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज फॉर नवंबर 22 ऑनवर्ड्स, नवंबर 22 ऑनवर्ड्स। उसमें सर आप एक तो हमारा मॉड्यूल कवर करवा दीजिए। ICAI के जो मॉड्यूल के सम्स है वो काफी डिफिकल्ट सम है, और प्लस उसके लिए हमें बेसिक भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जो ICAI में सर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट? ICAI में बहुत टफ टफ क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो वो क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए हमारा सपोज नवंबर 22 में अगर अपने को एग्जाम देना है, नवंबर 22 में अगर आपको एग्जाम देना है तो हमारे लिए सर, तो मैंने आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक DKC+ करके बनाया है। DKC+ में क्या है, एक तो बेसिक क्वेश्चन के लिए आपको मेरी DKC के बुक देखना है, और उसके बाद पूरा जो ICAI का मॉड्यूल है उसको मैंने अपने DKC फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया। जो सबसे ज्यादा आप लोगों को, जो सबसे ज्यादा आपकी जो पसंद की चीज थी, दैट इज ए DKC मॉड्यूल, राइट? आपको जो सबसे ज्यादा भाता है दैट इज ए कंसेप्ट, कॉस्टिंग का कंसेप्ट एंड प्लस मेरा प्रेजेंटेशन। तो मैंने ऐसा ट्राई किया है कि ICAI का जितना भी मॉड्यूल्स हैं, ICAI का जो लेटेस्ट मॉड्यूल जो ICAI ने निकाला है, राइट, ICAI ने जो लेटेस्ट मॉड्यूल निकाला है उसको मैंने क्या किया है, DKC फॉर्मेट में डाल दिया है, बराबर। तो आपको आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक आप कह रहे थे कि सर हमें बेसिक क्वेश्चंस चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है काफी, क्योंकि मॉड्यूल में काफी कम क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम इस DKC बुक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड, ICAI के जो ऑल क्वेश्चंस है वो मैं DKC फॉर्मेट में आपको कवर करके दे दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट सम्स जो मुझे लगेंगे वो मैं आपको वीडियो में कवर करके दे दूंगा, ठीक है। ICAI मॉड्यूल का एक एक सम, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल का अपन बात कर रहे हैं पहले, ICAI का जो मॉड्यूल है उसके जो इंपॉर्टेंट सम है वो DKC फॉर्मेट में अपन मैं वीडियो में बना के दे दूंगा। लेकिन फिर भी जब भी आप ये क्रैश कोर्स खरीदो उससे पहले आप मेरे से सॉफ्ट कॉपी मांग लेना, राइट? सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना, अगर आपको लगे कि नहीं उसके बाद अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो ही आपको ये वीडियो खरीदना, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और बहुत ही कम ड्यूरेशन का बनाएंगे, ताकि एग्जाम एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है वो आपको मैं करूंगा। अच्छा, अब आपका ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि DKC के प्रैक्टिस सम आपको यहां से मिल जाएंगे। ये DKC क्या है, इसमें आपके सब बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये आपका ICAI का लेटेस्ट मॉड्यूल कवर हो जाएगा, आपका लेटेस्ट मॉड्यूल कवर हो जाएगा, ये आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बराबर। सॉफ्ट कॉपी आपको मैं जैसे जैसे बनता जाएगा, क्योंकि अभी मुझे बनाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे बन जाएगा मैं आपको देता जाऊंगा, राइट। सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, ओके। अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो परचेस करना है तो एट वेरी रीजनेबल प्राइस, हम बहुत ही कम, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, राइट, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, राइट, आपके कमेंट्स आएंगे, आप मुझे बताओगे सर क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना है, वो प्रैक्टिकल पार्ट अपन बहुत अच्छे से एक बार कवर कर लेते जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट। उसके अलावा एक आपका आ रहा था कि सर हाउ टू स्टार्ट SCMP को हाउ टू स्टार्ट, मतलब सबसे पहला हमको कौन सा टॉपिक करना चाहिए, राइट, हाउ टू स्टार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट में फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि OR के दो टॉपिक आपके लिए एप्लीकेबल है, एक है आपका लर्निंग कर्व थ्योरी और एक है आपका LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये दोनों टॉपिक से ही आप स्टार्ट करिए, आपको थोड़ा टफ लगेगा और आप उससे स्टार्ट करिए, उसके बाद देन यू टेक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन यू टेक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका पूरा बेस है, लेकिन यू स्टार्ट विद द OR के जो दो टॉपिक हैं उससे आप स्टार्ट करिए।
ओआर के दो टॉपिक में फ्रेंड्स, पहला मैं आपको कराता हूं लर्निंग कर्व थ्योरी। ओके, इसे अगर आप देखने जाएंगे तो आपके टोटल 12 टॉपिक्स है। 12 के अलावा मैंने दो टॉपिक और ऐड करे, 13 एंड 14। तो मैं पहले 14 से आपको स्टार्ट कराता हूं। 13 एंड 14 मेरे ओआर के टॉपिक है और आईसीआई ने उसके लिए अलग से कोई मॉड्यूल में कहीं अलग से चैप्टर नहीं बताया, खाली एक एप्लीकेशन बता दिया है। लेकिन मेरी यह ड्यूटी है, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो मैंने समझ लिया, काफी बच्चों से मैंने बात किया, बोले सर हमें मालूम ही नहीं है ओआर के टॉपिक होते क्या है, वो उन्होंने तो डिसीजन मेकिंग में डाल दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डाल दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग में डाल दिया, हम कैसे करें सॉल्व। तो पहले मैं आपको ये 13 और 14 एलपीपी और लर्निंग कर्व थ्योरी ये दोनों टॉपिक करा देता हूं, उसके बाद अपन कॉस्टिंग पे आएंगे। सॉफ्ट कॉपी जैसे जैसे बनता रहेगा मैं आपको देता रहूंगा, आपको एक रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, आप ऑडिट पे जाते हैं वहां से प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। आपको लगे नहीं सर हमें वीडियो भी खरीदना है, अगर सॉफ्ट कॉपी में क्या प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों रहेगा, आपको लगता है सर मैनेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको लगता नहीं सर हमें वीडियो भी चाहिए, इसके जो इंपॉर्टेंट सम है वो आप कवर करके हमें वीडियो देख लीजिए दे दीजिए, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, बट एट वेरी रीजनेबल। यू नो ना फ्रेंड्स, आई हैव एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। आप जैसा बोलो तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स जिसमें आपका पूरा कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कवर कर दूं, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप करके आप मुझे बताते रहिए, मेरा पर्सनल नंबर आप सेव कर लीजिए, दिस इज 9820908200925 9820908200925 9820300925। और ये DKC करके आप सेव कर लीजिए, राइट। और जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, हो सकता है मैं आपका कॉल नहीं उठाऊं लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो व्हेनेवर आई गेट द टाइम आई गेट बैक टू यू, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डीकेसी के बेसिक सम्स हो जाएंगे, आईसीआई मॉड्यूल अपन कवर कर लेंगे, बराबर। जो इंपॉर्टेंट सम है वो अपन वीडियो में ले लेंगे फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है। कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो पहले 14 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर अपन कॉस्टिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो आपका तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन बात करते रहेंगे। एंड दिस इज योर लर्निंग कर्व थ्योरी चैप्टर 14, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व इन डिसीजन मेकिंग। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व इन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये जो दो टॉपिक है लर्निंग कर्व एंड चैप्टर 13 आपका रहेगा एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो ग्राफिकल वाला, राइट। इंस्टीट्यूट इन दोनों टॉपिक को अलग से नहीं सिखाता है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग में कहीं कहीं इनका एप्लीकेशन डाल दिया। लेकिन मैं आपको ये चैप्टर सबसे पहले सिखाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर सीखने के बाद, तो जो आपका ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर सीक्वेंस कौन सा रहेगा, सो सीक्वेंस में सबसे पहले आप क्या सीखना है, आपको लर्निंग कर्व करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर 13 एलपीपी भी आपको सीखना है, बराबर। तो अभी पहले लर्निंग कर्व और उसके बाद आपका एलपीपी रहेगा, एलपीपी के बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपके सारे टॉपिक्स डिपेंड है। मैंने आपको क्या बोला कि सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन और आंसर की आपको चाहिए, वो आपको जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे मिलती जाएगी। हाँ, अगर आपको वीडियो खरीदना है तो एट वेरी रीजनेबल प्राइस, जैसे ही रिकॉर्ड होंगे हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आज से स्टार्ट किया है तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगेगा रिकॉर्ड करने में। ओके, आपकी फीडबैक भी मोस्ट वेलकम है, आप मुझे भेजते रहिए तो वो चीज अभी मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन? चलो, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे इज ए एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। ओके, तो चैप्टर को मेरे साथ करने से पहले आपके पास
क्या होना चाहिए, आपके पास मेरी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए जिसमें मैंने आंसर और क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन और आंसर जो कवर किए हैं वो सॉफ्ट कॉपी आपको आपके पास होनी चाहिए, ओके। और जैसे जैसे ये बनती जाएगी मैं आपको देता जाऊंगा, ओके। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फ्रेंड्स, दिस इज योर लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व इन डिसीजन मेकिंग, ओके। तो मैंने आपको क्या लिखा है फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, इट इज अ रेशियो रिलेटेड टू ह्यूमन एफिशिएंसी एंड दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ह्यूमन एंड नॉट फॉर मशीन। मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स का जब मैं पेपर चेक करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि यार आपको लोगों को बेसिक भी नहीं मालूम। जो लर्निंग कर्व थ्योरी है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन, वॉट एवर लर्निंग कर्व थ्योरी इज देयर दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन एंड नॉट फॉर मशीन, वो मशीन को एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में आता है तो मशीन में भी अप्लाई कर देते, मतलब ये तो आपका बेसिक का लेवल है। इसका मतलब आपने क्या किया है, जिस सिर्फ आपको जो दे रखा है उसको पढ़ लिया, अरे उसका बेस तो तैयार करो आप। हाँ, जब तक अगर आप बेस तैयार नहीं करोगे तो आपको कैसे समझेगा चैप्टर करके। तो अपन एकदम बेसिक से लेके चलते। तो पहले मैंने क्या लिखा है, प्लीज अंडरलाइन दैट इट इज अ रेशियो रिलेटेड टू ह्यूमन एफिशिएंसी एंड दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ह्यूमन नॉट फॉर मशीन, नॉट फॉर मशीन को एप्लीकेबल होगा नहीं, ओनली फॉर ह्यूमन बींग। अब क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग एससीएमपी, लेकिन आप लोग तो इसको बोलते हैं दानी की कॉस्टिंग, राइट। और दानी की कॉस्टिंग आपको पता होगा भी, मैंने रजिस्टर्ड करा लिया ट्रेडमार्क अपने नाम पे। आप तो दानी की कॉस्टिंग ही बोलते हो, आप डीकेसी ही बोलते हो, आप एससीएमपी बोलते ही नहीं हो। तो ये फ्रेंड्स आपका डीकेसी, बराबर। अब आप दानी की कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम लर्न करते हो, सपोज यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या सपोज से डिसीजन मेकिंग। आप पहले ले लीजिए दिस इज योर डिसीजन मेकिंग। अगर आप पहली बार डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं, राइट, अब तो ये जाने वाला है कॉस्टिंग, राइट, न्यू सिलेबस जो आपका आ रहा है उसमें तो जाने वाला है, बट दैट इज नॉट, डोंट वरी, आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। आप लोगों को तो अभी एग्जाम दे के नवंबर में आपको क्लियर करना ही है आपका सीए, राइट। आप ये मत, बहुत बच्चे लोग टाइम पास करते हैं न्यू सिलेबस, अरे आपको क्या लेना देना न्यू सिलेबस से, आपको तो नवंबर में क्लियर करना है अपना, ओके। सपोज फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग डिसीजन मेकिंग, आपको सपोज 10 आवर्स लगते हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम, क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है कि वो कोई चीज को रिपीट करेगा तो उसका क्या होता है, लर्निंग कर्व बनता है, राइट, एफिशिएंसी रेशियो बनता है। इसका मतलब अगर आप सेकेंड टाइम इसको रिवाइज करोगे आपको 9 आवर्स लगेगा, अगर आप थर्ड टाइम रिवाइज करोगे आपको 8 आवर्स लगेगा, एक टाइम आएगा कि आप टीच करना स्टार्ट कर दोगे, मेरी छुट्टी कर दोगे, राइट, आप खुद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, आप क्या कर दोगे, इसका टीचिंग स्टार्ट कर दोगे, आप खुद से इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, टीचिंग स्टार्ट कर दोगे। आर यू फॉलोइंग ऑन आवर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले अपन लर्निंग कर्व ले रहे हैं चैप्टर, ताकि आपको समझने में इजी रहे करके ना फ्रेंड्स, सही है, सुनो, क्योंकि बेसिक अगर आपको, तो ये जो लर्निंग कर्व है वो हर पर्सन का अलग अलग रहता है। ओआर में, ओआर के ये जो टॉपिक रहेंगे, एक लर्निंग कर्व और एक एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, पहला क्वेश्चन ये है कि यहां पे फ्रेंड्स आपको लॉजिक नहीं पूछना है, जो है वो है। बेसिकली ओआर इज ए टेक्निक ऑफ साइंस, राइट, सिस्टमेटिक स्टडीज के लिए एक साइंस की एप्लीकेशन है, ऑपरेशनल रिसर्च। आर यू गेटिंग ऑन आवर फ्रेंड? तो आपको यहाँ पे लॉजिक नहीं पूछना है, आपको जस्ट ये देखना है, हाँ भाई ऐसा होता है मतलब होता है, अपन लोग साइंटिस्ट नहीं है, अपने को कैसे स्कोर करना है वही अपने को देखना। हाँ, लेकिन कॉस्टिंग आएगा तो आप मुझे छोड़ना नहीं, कॉस्टिंग आएगा तो आप मुझे छोड़ना नहीं, राइट। आपका एक एक लॉजिक, एक एक चीज अगर आपकी जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप आगे बढ़ना नहीं,
आपका एक एक लॉजिक, एक एक पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप में, आप मेरे साथ टच में रहिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताते रहिए, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। सही है सर। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं आपको 10 आवर्स लगेंगे, सेकंड टाइम करेंगे ऑब्वियसली आपको कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम और कम टाइम लगेगा, एक टाइम आएगा कि आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, एक टाइम आएगा कि आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो एफिशिएंसी पार्ट है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा या जो साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, आपको लर्निंग कर्व रेशियो कैलकुलेट करके दे देंगे, मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन करके दे देंगे, आपको गिवन करके रहेगा। अब जैसे सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, जैसे आप समझिए कि आपका एक बैच है, ये आपका एक बैच है, ये ऑल गिवन इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में देगा। एक आपका इनिशियल बैच, इसको बोलते हैं योर इनिशियल बैच, देन आवर्स पर बैच एंड लर्निंग कर्व रेशियो, ये तीन चीजें आपको एग्जाम में देके रखेगा। सपोज अगर आपका बैच है 10 यूनिट्स का, आपका एक बैच है 10 यूनिट्स का, उसको बनाने में सपोज 1000 आवर्स लगते हैं पर बैच और आपका लर्निंग कर्व रेशियो है 90%। ओके, लर्निंग कर्व रेशियो इट इज अ रेशियो रिलेटेड टू ह्यूमन एफिशिएंसी, समझने का। मैंने आपको क्या बोला, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। यू जस्ट, आपको जो गिवन है, मैं आपको क्या हेल्प करूंगा कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको पहले आप उसको इस तरह से अरेंज करें। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई अगर आपका 10 यूनिट्स आप बना रहे हो, आपको उस बैच को बनाने में एक बैच इक्वल टू इनिशियल, एक बैच क्या है, वन बैच इक्वल टू 10 यूनिट, दिस इज योर वन बैच इक्वल टू 10 यूनिट्स, उसको बनाने में आपको 1000 आवर्स लगते हैं और आपका लर्निंग कर्व रेशियो, आपका जो लर्निंग कर्व रेशियो है दैट इज 90%, आपका जो लर्निंग कर्व रेशियो है, आपका जो लर्निंग कर्व रेशियो है वो आपका क्या है 90%। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप 20 यूनिट्स बनाते हैं तो आपको टाइम लगेगा 990% ऑफ 1000, इट मींस 900 आवर्स पर बैच। इनिशियल आपने क्या किया, पहले आप अरेंज कर लीजिए 10 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगता है 1000 और आपका लर्निंग कर्व रेशियो, ये आपका इनिशियल बैच, ये आपका बैच इनिशियल बैच, एक बैच वन बैच इक्वल टू आपका क्या है, वन बैच इक्वल टू 10 यूनिट्स, आवर्स पर बैच, आर्स पर बैच, आर्स पर बैच इज 1000, राइट, लर्निंग कर्व रेशियो, लर्निंग कर्व रेशियो इज 90%। तो अगर आप 20 यूनिट्स बनाते हैं तो आपको 90% ऑफ 1000, इट मींस 900 आर्स पर बैच आपको टाइम लगेगा, आपको क्या टाइम लगेगा 900 आर्स पर बैच, आपको क्या टाइम लगेगा बोलो फ्रेंड्स, 900 आवर्स पर बैच। अगर आप ये बोलता है कि अगर आप 40 यूनिट्स बनाते हैं तो आपको टाइम लगेगा 90% ऑफ 900, इट मींस 810। अगर आप 80 यूनिट्स बनाते हो तो आप इसको डबल करते हो तो क्या होगा, 90% ऑफ 810, 810 का 90% इज 729 एंड दिस इज पर बैच। अगर आप 160 यूनिट्स बनाते हैं तो आपको टाइम लगेगा 90% ऑफ 729 ऑफ 729 इज 656.1। अगर आप 320 यूनिट्स बनाते हो तो आपको टाइम लगेगा 90% ऑफ 656.1 656.1 into 90% is
590.49, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स? क्या है आपका इनिशियल 10 यूनिट्स है, ये यूनिट्स क्या होने चाहिए आपके, डबल होने चाहिए राइट। और इसको निकालने के लिए आप इनिशियल को मल्टीप्लाई करते जाइए, 90% ऑफ 810, फिर 810 को 90% 729, 90% ऑफ 656, 90% ऑफ दिस, ये आपको दे रखा है। लेकिन अच्छा, अब इसमें ये आर्ट है, दिस इज एन आर्ट, कहां पे आपको लॉग टेबल लगाना है, कहां पे एंटी लॉग लगाना है, अगर लॉग टेबल नहीं दे रखा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब कुछ आपको किसमें दे रखा है फ्रेंड्स, वो सब कुछ आपको किसमें दे रखा है राइट, वो ही आपको समझना है। मेरे साथ आप क्या सीखोगे, मेरे साथ आप क्या सीखोगे, ये डेमो लेक्चर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सीखना है बराबर से, बराबर ये आपको मेरे साथ सीखना है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बोलती है नहीं, पर हाँ अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मेरे क्वेश्चन और आंसर चाहिए, तो आप ऐसे ही ले सकते हो करके, वो फ्री में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पूरा कवर करना है या पूरा चैप्टर कवर करना है, डेमो लेक्चर आपको फ्री दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर जरूरत है, तो फिर आपको चैप्टर वाइज भी मैं दिलवा दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं फुल कोर्स लेना है, लाइक यू नो क्या क्या आपने कवर किया हुआ है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सही है, सुनो तो आपके यूनिट्स क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, आपके यूनिट्स होने चाहिए डबल, आपके यूनिट्स होने चाहिए डबल। अगर आप मेरे से बोलते हो कि सर 100 यूनिट्स बनाना है, अगर आप मेरे को बोलते हो सर 100 यूनिट्स बनाना है, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप मेरे को बोलते हो कि 100 यूनिट्स बनाना है, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 100 इसके अंदर फिट नहीं बैठता है, 100 इसके अंदर फिट नहीं बैठता है, 100 यूनिट्स इसके अंदर फिट बैठेगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लॉग एंटी लॉग वो सब यूज करना पड़ेगा। तो अगर कभी कभी क्या रहता है कि 50% केसेस में तो आपको लॉग एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चों को मालूम ही नहीं है कहाँ लगाने का कहाँ नहीं लगाना। मैंने तो इवन आपको ये बताया था ना, जब मैं पेपर चेक करता हूँ बच्चों के, तो मुझे पता चलता है अरे यार इसको ये बेसिक भी नहीं मालूम है करके, कि यार यहाँ पे लर्निंग कर्व रेशियो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये तो मशीन है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ह्यूमन एफिशिएंसी। ये किसको अप्लाई होगा, ये किसको अप्लाई होगा, ओनली फॉर ह्यूमन को, ह्यूमन एफिशिएंसी में ये अप्लाई होगा, ह्यूमन एफिशिएंसी में ये अप्लाई होगा। आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? सही है, सुनो अब ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस पूरा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आप जरा मेरा देखिए, सॉल्यूशन आपको मेरे को दे रखा है, चैप्टर नंबर 14 का 14.1 पेज आप ऐड करिए, पेज नंबर 14.1 आप निकालिए राइट, और इसमें ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आपको सॉल्यूशन दे रखा है, 14.1 आप निकालिए, तो आपको एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, एक्स वाई जेड कंपनी हैज ऑब्जर्व, मिला आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 14.1, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 14.1। सॉफ्ट कॉपी अगर आप लोगे क्वेश्चन आंसर का, उसका कोई पैसा नहीं है, वीडियो खरीदना है तो आपको खरीदना पड़ेगा, वीडियो के लिए आपको पे करना है ठीक है। एक्स वाई जेड कंपनी हैज ऑब्जर्व दैट 90% लर्निंग कर्व रेशियो अप्लाइज टू ऑल लेबर रिलेटेड कॉस्ट ईच टाइम ए न्यू मॉडल एंटर्स इनटू प्रोडक्शन। इट मींस CYZ Limited has observed that 90%, इसका मतलब 90% लर्निंग कर्व रेशियो है, अप्लाइज टू ऑल लेबर रिलेटेड कॉस्ट ईच टाइम ए प्रोडक्ट मॉडल एंटर्स इनटू प्रोडक्शन। इट इज एंटिसिपेटेड दैट 320 यूनिट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 1999। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट लॉट ऑफ 10 यूनिट्स अमाउंट टू 1000 आवर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज असाइन टू प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टोटल लेबर एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 320 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट ए द फर्स्ट 40 यूनिट्स, बी द फर्स्ट 80 यूनिट्स, सी द फर्स्ट 100 यूनिट्स राइट। थर्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ए 41 टू 80, बी 102 टू 101 टू 200।
आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? सही है, सुनो फ्रेंड्स, ओके। तो अभी अपने को क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो अब आप देखिए जरा, CYZ कंपनी हैज ऑब्जर्व्ड दैट 90% लर्निंग कर्व रेशियो अप्लाइज टू ऑल लेबर रिलेटेड कॉस्ट ईच टाइम ए न्यू मॉडल एंटर्स इनटू प्रोडक्शन। इट इज एंटिसिपेटेड दैट 320 यूनिट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 1999। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 10 यूनिट्स, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट 10 यूनिट्स, सेम एग्जाम्पल मैंने ये कवर किया है, फर्स्ट 10 यूनिट्स, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट 10 यूनिट। इट इज एंटिसिपेटेड 320 यूनिट्स विल बी मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 1999। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट लॉट ऑफ 10 यूनिट्स अमाउंट टू 1000 आवर्स, ये 1000 आवर्स आपको लगेंगे फर्स्ट 10 यूनिट्स को बनाने में, सेम एग्जाम्पल मैंने कॉपी किया है। एंड लर्निंग कर्व रेशियो आपका क्या है, 90%। इसका मतलब तीनों इंफॉर्मेशन है आपके पास, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट लॉट ऑफ 10 यूनिट्स, फर्स्ट लॉट, एक पहला बैच 10 यूनिट्स, और उसको बनाने में 1000 आवर्स, लर्निंग कर्व 90%। अगर आप 20 बनाओगे तो 90% ऑफ 1000, 40 बनाओगे तो 90% ऑफ 900, 80 बनाओगे तो 90% ऑफ 810, अगर आप 160 बनाओगे तो 90% ऑफ दिस एंड 320 बनाओगे। तो अब ये क्या पूछ रहा है, आपका वेरिएबल ओवरहेड एंड लेबर का कॉस्ट है, इसका मतलब आपका लेबर कॉस्ट पर आर है 8, वेरिएबल ओवरहेड है 2, इसका मतलब आपका टोटल कॉस्ट पर आर क्या आएगा, 10 आपको दे रखा है। और सबसे बड़ी चीज ये, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो सब आपको प्रिंट किया हुआ दे रखा है, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर, ओके। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 2, यू आर रिक्वायर टू डिटरमाइन टोटल लेबर एंड रिलेटेड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 320 यूनिट्स। 320 आपका डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा, 320 यूनिट्स टोटल लेबर एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 320 का मतलब ये है कि अगर आप 320 यूनिट्स बनाते हो, अगर आप 320 यूनिट्स बनाते हो तो एवरी बैच को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 590.49। अब देखो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर नंबर वन, दिस इज योर आंसर नंबर वन, राइट। Statement showing labor, सब कुछ आपको प्रिंट किया हुआ दे रखा है, राइट। चैप्टर वाइज अपन जा रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग लेबर एंड रिलेटेड कॉस्ट इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 320 यूनिट्स, इट मीन्स टोटल आर्स रिक्वायर्ड, टोटल आर्स रिक्वायर्ड इट मीन्स 320 यूनिट्स है आपकी, बराबर, एंड वन बैच इक्वल टू 10 यूनिट्स, इसका मतलब आपके कितने बैचेस बनेंगे, 32 बैचेस आपके बनेंगे। मैंने आपको बताया था ना, इनिशियल बैच कितने का है, इज ए 10 यूनिट्स, ओके। आपको कितना बनाना है, 320, तो 320 बनाएंगे तो पर बैच को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 590.49। तो आपके पास आर्स आ जाएंगे 32 बैचेज इंटू 590.49 एंड दिस कम्स टू 18.65 आवर्स, ये आपको टाइम लगे। इट मींस आपको कितने बैचेस बनाने हैं, आपको 320 यूनिट्स बनाना है एंड आपने टोटल आवर्स कितने लगेंगे, 320 यूनिट्स, वन बैच इक्वल टू 10 यूनिट्स, इसका मतलब कितने हो गए, 320 डिवाइडेड बाई 10, आपके 32 बैचेज हो गए, एक बैच को बनाने में 590.49 आपको टोटल आवर्स लगेंगे,
18895.68 और दिस इज योर लेबर एंड रिलेटेड कॉस्ट, लेबर एंड रिलेटेड कॉस्ट 18895.68 इंटू रुपीज 10 इंटू 10 रुपीज पर आर, 10 रुपीज पर आर निकाला था ना फ्रेंड्स अपने, ये लेबर एंड रिलेटेड कॉस्ट इंटू 10 विल बी 188956.8. अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, इट मींस कॉस्ट पर यूनिट, तो 188956.8 डिवाइडेड बाय 320 यूनिट्स, 188956.8 डिवाइडेड बाय 320 यूनिट्स एंड दिस कम्स टू 590.49. एक यूनिट का कॉस्ट आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये मुझे आप बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. लेबर एंड रिलेटेड कॉस्ट 18895 इनटू 10 कॉस्ट पर यूनिट ये आपका आ जाएगा ओके डिवाइडेड बाय 320 यूनिट्स. तो पहले मैंने क्या किया फ्रेंड्स, पहले यू ऑलवेज इन द एग्जाम फर्स्ट यू अरेंज ऑल द इंफॉर्मेशन, पहला काम आपका क्या है यू अरेंज ऑल द इंफॉर्मेशन. आप पहला काम है आपका कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर लीजिए. आप कैसे अरेंज करेंगे कि पहले आप ढूंढिए उसमें इनिशियल बैच क्या है, उसको बनाने में कितना ये लगता है एंड व्हाट इज योर लर्निंग कर्व रेशियो, फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. तो 320 तो 320 तो डायरेक्टली फिट होता है, इसके लिए अपन ने यहाँ पे ले लिया 320 तो आपका डायरेक्टली फिट होता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया. अगर वो फिट नहीं होगा तो फिर अपन को सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए. अगर वो नहीं फिट होता है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए ओके. और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में मेरा सॉल्यूशन है, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. अगर कोई छोटे मोटे नोट्स आपको लिखने तो लिख लीजिए, बाकी सेम प्रेजेंटेशन आईसीआई का सेम प्रेजेंटेशन आपको देना है करके एग्जाम में. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, आगे क्या बोल रहा है. टू एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 40 यूनिट्स, इट मींस दिस इज योर एवरेज कॉस्ट फॉर फर्स्ट 40 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट. अब आप देखिए क्या फर्स्ट टेबल में आता है 40, आंसर इज यस. अगर आप 40 यूनिट्स बनाते हैं, If you are producing 40 units, अगर आप 40 units बनाते हैं, इसका मतलब अगर आप 40 units बनाते हैं तो एक बैच को बनाने में कितना लगेगा 810. आपको एक बैच को बनाने में कितना टाइम लगेगा 810. अब आप आ जाइए, इट मीन्स टोटल आवर्स रिक्वायर्ड इज 40 units डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स, आपके 4 बैच हो गए और एक बैच को बनाने में आपको टाइम लगेगा 810 आवर्स. आपके टोटल आवर्स हो जाएंगे 810 इंटू 4 इज 3240. आपको टोटल आवर्स हो जाएंगे 3240 और आपका टोटल कॉस्ट 3240 इंटू 10 रुपीज पर आवर, इट मीन्स 32400 और आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा 32400 डिवाइडेड बाय 40 यूनिट्स, इट मीन्स 32400 डिवाइडेड बाय 40 यूनिट्स इज 810 पर 810 पर यूनिट, सही है सुनो 810 पर यूनिट, सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर हो नोट. आपको 810 पर यूनिट आपका कॉस्ट आ जाएगा, 32400 टोटल कॉस्ट आएगा
इट मींस 810 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, आपके आर्स आ गए 3240 इंटू 10 और ये आपका 32400। सही है, चलो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। इट मींस एवरेज कॉस्ट फॉर फर्स्ट 40 यूनिट्स, अगर आपका टोटल आर्स रिक्वायर्ड 40 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 810, 3240, टोटल कॉस्ट विल बी 3240 इंटू 10 32400, एवरेज कॉस्ट 32400 डिवाइड बाई 40 इज 810। सही है सुनो, ये आपका हो गया सेकंड का ए पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का ये आपका ए पार्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट इज 40 यूनिट्स। फिर आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, बी द फर्स्ट 80 यूनिट्स, इट मींस बी फर्स्ट 80 यूनिट्स, इट मींस टोटल आर्स रिक्वायर्ड 80 यूनिट्स, वन बैच इक्वल टू 10 यूनिट्स। और अब 80 में आप आ जाइए, क्या 80 आपके चार्ट में फिट होता है? आंसर इज यस, तो 729 आपको लगेंगे आर्स, 729, इट मींस 80 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 729 5832, इट मींस टोटल कॉस्ट 5832 इंटू 10 इज 58320। और अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है, इट मींस 58320 डिवाइडेड बाय 80 यूनिट्स, इट मींस 58320 डिवाइडेड बाय 80 इज 729। परफेक्टली क्लियर हो, दिस इज योर फर्स्ट 80 यूनिट्स, फर्स्ट 80 यूनिट्स इट मींस टोटल आर्स रिक्वायर्ड 80 डिवाइडेड बाय 10 729 5830, टोटल कॉस्ट 5830 इंटू 10 58320 एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट विल बी 58320 डिवाइडेड बाय 80। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब आप समझ लो कि डीकेसी ने आपको क्या हेल्प किया। मामा को जाके क्या बोलोगे, जैसे मम की मम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी, तो कॉस्टिंग ओवर में प्रोफेसर दानी। आपके तीन आंसर तो एकदम सिंपल तरीके से हो गए, आपको पता है कि यार टेबल में ही मेरी में फिट बैठ रहा है, ये तीन आंसर तो मेरे आराम से टेबल में फिट बैठे थे, उसी से हो गई तीन आंसर। अब वो अगला आपसे पूछ रहा है कि द फर्स्ट 100 यूनिट्स, इसका मतलब आपका 100 इसमें फिट बैठेगा नहीं, आपका जो 100 है वो टेबल में नहीं बैठता है। तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बराबर। यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, राइट, यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जो आप प्रॉब्लम निकालोगे उस सब का आंसर है। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका आंसर अपने पास नहीं। आर यू फॉलोइंग ऑन ऑल, परफेक्टली क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? बोलो प्रॉपर, बताइए आप, परफेक्टली क्लियर हो नो? अब वो बोल रहा है 100 यूनिट्स, 100 इसमें फिट होता नहीं है, 100 टेबल में होता नहीं, अगर होता तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, राइट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, आपको क्या बोल रहा है, इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट्स, इट मींस आंसर टू एंड दिस इज सी पार्ट, इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट्स, इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट्स, बराबर। तो फिर आपका अगर ये टेबल में नहीं होता है तो फिर आपको
लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको सब तरह की प्रॉब्लम्स बताता हूं। पहला मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं जहां पे आपको लॉग टेबल इंस्टीट्यूट एग्जाम में प्रोवाइड करेगा, कभी करता है और कभी नहीं भी करता है, या तो कभी कभी बोलेगा कि नहीं हम आपको लॉग वैल्यूज दे देंगे, नहीं पेपर में दे देंगे, तो आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा। तो मैं दोनों तरह से सिखाता हूं, एग्जाम में दोनों तरह से आया हुआ है, लॉग टेबल नहीं दी है तभी भी पूछा है और लॉग टेबल दी है तभी भी पूछा है। तो मेरे को जब आपने बेसिक सिखाने की जिम्मेदारी दी है, जब आपने मुझे बेसिक सिखाने की जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बता दूं। तो पहला पार्ट में ले रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम आपको लॉग टेबल प्रोवाइड करेंगे, बराबर, इसका मतलब वो एग्जाम पेपर में आपको लॉग का वैल्यू लिख के देंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि इफ यू वांट यू कैन आस्क फॉर लॉग टेबल, आप अपना लॉग टेबल लेके एग्जाम में नहीं जा सकते, बराबर, आपको इन्विजिलेटर से मांगना पड़ेगा लॉग टेबल, बराबर। तो पहला अगर लॉग टेबल आपको नहीं है तो आप मांगिए उनसे करके, तो मैं पहले वो वाला कवर करता हूं, फिर मैं आपको वो कवर करूंगा जहां पे इंस्टीट्यूट लॉग का वैल्यूज देता है, लॉग का वैल्यूज देता है तो हम लोग उसको कैसे कवर करें। आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? ठीक है, अब आप आ जाइए सेकंड फ्रेंड्स, इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, इट मींस एक फॉर्मूला अपने को यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया, ओआर में नो लॉजिक, ओआर में जो दे रखा है वो दे रखा है, आप उतना ही समझ लीजिए, राइट, लेकिन हाँ कॉस्टिंग है तो मैं आपको पूरा लॉजिकली चीजों को बताऊंगा। तो आप लिखिए दिस इज आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो डिवाइडेड बाय log of 2 into log of x। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम पेपर में आपको लॉग टेबल नहीं देता है तो आपको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए। आपको ये फॉर्मूला में आपके सारे कंसेप्ट एक एक प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करके दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर आर्स, आर्स रिक्वायर्ड पर बैच, आर्स रिक्वायर्ड पर बैच इज लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 इनटू लॉग ऑफ एक्स, इनटू लॉग ऑफ एक्स इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट्स, इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट्स, इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 100 यूनिट्स। आर यू गेटिंग? आर्स पर बैच। नाउ व्हाट इज लॉग ऑफ के, ये आपका हमेशा रहेगा, दिस इज योर बेस, बेस आर्स, ये आपका रहेगा बेस आर्स। लर्निंग कर्व रेशियो, लर्निंग कर्व रेशियो हमेशा आपको क्या रहेगा, गिवन, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये आपका रहेगा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ बैचेज। सही है, सुनो, ये आपका क्या रहेगा, बेस आर्स, ये कांस्टेंट आपका रहेगा, ये गिवन आपको रहेगा और ये आपका रहेगा नंबर ऑफ बैचेस। सही है, सुनो, लेकिन इसमें आपको एग्जाम हॉल में आपको लॉग टेबल मांगना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल मांगना पड़ेगा, यू कैनॉट यूज योर ओन लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, आपको एग्जामिनर से मांगना पड़ेगा। नॉर्मली 50% केसेस में वो लोग लॉग का वैल्यू लिख के देते हैं तो आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा, और अगर लॉग का वैल्यू लिख के नहीं दिया है तो फिर आप लॉग टेबल मांग सकते हैं एग्जाम। आर यू फॉलोइंग नॉट फ्रेंड्स? अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है वो आपसे, लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के मीन्स बेस आर्स, आपका बेस क्या था, इट मीन्स आपका बेस था, आपका बेस था इनिशियल बैच को बनाने में 1000 आर्स, इट मीन्स दिस इज योर लॉग ऑफ, लॉग ऑफ 1000 प्लस
लॉग ऑफ लर्निंग कव रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लर्निंग कव रेशियो बताओ, लर्निंग कव रेशियो आपको क्या दे रखा था 90%, लॉग ऑफ लर्निंग कव रेशियो लॉग ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2 हमेशा कॉन्स्टेंट आपका रहेगा, इंटू लॉग ऑफ एक्स नंबर ऑफ बैचेस, आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं 100, हमारा बैच क्या था 10 यूनिट्स इक्वल टू 1, इनिशियल बैच क्या था बोलो, इनिशियल बैच क्या था 10 यूनिट्स इक्वल टू 1 बैच, इट मींस दिस इज योर लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 1000 प्लस लॉग ऑफ 0.9 प्लस डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 इनटू लॉग ऑफ 10, यहां तक आपको क्लियर, एकदम बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूं, लॉग ऑफ 1000 दिस इज योर लॉग ऑफ 1000 बिकॉज दिस इज योर बेस आर, बेस आपको दे रखा है, लॉग ऑफ के आपका हो जाएगा, देन लॉग ऑफ 0.9 हमेशा आपको लर्निंग कव रेशियो दिया होगा, लॉग ऑफ 2 हमेशा आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, और लॉग ऑफ एक्स हमेशा आपका क्या रहेगा लॉग ऑफ सही आंसर, ये आपको कब है जब आपको एग्जाम में पेपर के अंदर, एग्जाम पेपर के अंदर अगर आपको लॉग वैल्यूज नहीं दे रखा है तो आप यू कैन आस्क फॉर लॉग टेबल, तो आप किस तरह से यूज करेंगे, अगर वो दे रखा है तो इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा फॉर्मूला को कि कैसे फटाफट आपको यूज करना है, आर यू फॉलोइंग ऑन माय स्लाइड्स, परफेक्टली क्लियर और नोट, ओके प्रॉपर, तो जितना आपको सिखाया जा रहा है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आपको देखना है, और अगर आपको ये वीडियो खरीदनी है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ये क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स कि इनको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग वैल्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है सब हो जाएगा राइट, ये आपका लॉग वैल्यूज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप जरा देख लीजिए, सही है सुनो कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए, हमेशा एक तो आपके पास क्या होना चाहिए लॉग टेबल, लॉग टेबल जरा निकालिए, मैं आपको लॉग टेबल का भी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, लॉग टेबल का भी आपको सॉफ्ट कॉपी आपको दे दूंगा राइट, लॉग टेबल का भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा बराबर, लॉग आपको लॉग टेबल का तो पेज नंबर 14.12 निकालिए आप, 14.12 वहां पे आपको लॉग वैल्यूज दे रखे, निकालिए आप जरा पेज नंबर 14.12 आप फ्रेंड्स निकालिए राइट, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, लॉग हमेशा निकालते हैं, लॉग हमेशा निकालते हैं, सबसे पहले आप काउंट करिए कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है आपके पास है, 1, 2, 3, 4 उसमें से एक माइनस कर दीजिए आपको क्या आएगा 3, पुट द पॉइंट, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है इट मींस 1, 2, 3, 4 कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4 उसमें से एक माइनस कर दिया। अब फर्स्ट टू डिजिट का सेकंड पे देखते हैं अपन लॉग, 10 का 0 पे हमेशा ये रूल है, दिस इज द रूल फर्स्ट टू डिजिट का सेकंड पे, तो 10 का 0 पे आप देखो लॉग टेबल में 14.12 पेज नंबर 14.12 पे आप जरा देखिए, पेज नंबर 14.12 पे आप देखिए ओके 10 का 0 पे क्या है वैल्यू 0000000 ये कब है आपको जब आपके पास लॉग के वैल्यूज एग्जाम पेपर में नहीं है, यू कैन आस्क फॉर लॉग टेबल और उसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट काउंट करो 1, 2, 3, 4 में से यू माइनस 1 आपके पास बचेगा 3 फर्स्ट टू डिजिट का सेकंड पे देखते हैं प्लस अब आप आ जाइए लॉग ऑफ 0.9 अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 0 पॉइंट से पहले यहां पे कितने डिजिट थे 4 यहां पे पॉइंट से पहले कितने 0 0 में से 1 करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 0.9 से पहले कितने डिजिट है 0.9 से पहले कितने डिजिट है 0 0 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 0.9 में से ओके 0.9 से पहले आपके कितने डिजिट है 0 0 में से 1 माइनस करेंगे आपका क्या हो जाएगा
माइनस वन प्लस। अब कभी भी पॉइंट में लॉग नहीं होता, लॉग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 10। तो अब आपका क्या करिए, ये पॉइंट को उठा के यहां रख दीजिए। नाउ यू सी, पॉइंट को उठा के यहां रख दीजिए, पॉइंट को उठा के आप यहां पे रख दीजिए, राइट। ये आपका हो गया पॉइंट, ओके। अब 90 का जीरो पे आप जरा देखिए लॉग टेबल पेज नंबर 14.13 से स्टार्ट हुआ है, 13 पे भी नहीं है, 14 पे आ जाइए आप, 14.14 90 का जीरो पे 9542 पॉइंट से पहले हम लोगों ने डिजिट काउंट किए, क्या था, जीरो। जीरो में से वन माइनस किया, आपका क्या आ गया, माइनस वन। फिर 0.9 का लॉग नहीं होता, तो 90 का जीरो पे 14.14 पेज पे आप जरा देखिए 90 का जीरो पे क्या वैल्यू आता है। फर्स्ट टू डिजिट का सेकंड पे देखते तो 90 का जीरो पे 954। अब लॉग ऑफ टू, एक ही डिजिट है, एक में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। पॉइंट टू का नहीं होता तो 20 का निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा दिया। 20 का जीरो देखिए आप जरा, 20 का जीरो पेज नंबर 14.12 पे देखिए 30 इंटू यहाँ पे लॉग ऑफ 10, कितने डिजिट है, टू। टू में से वन माइनस किया, वन। 10 का जीरो पे, 10 का जीरो पे लॉग देखो जरा, 14.12 इज 00। ये आपको क्लियर हुआ कि फ्रेंड्स बोलो, ये आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रेंड्स, द फॉर्मूला इज इफ यू वांट 100 यूनिट्स, पहले देखने का कि मेरी टेबल में फिट होता है क्या, मेरी टेबल में फिट होता है क्या, मेरी टेबल में फिट होता है, आंसर इज नहीं। आपकी टेबल में तो 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 80 आ रहा है, 160 आ रहा है, 320, इसका मतलब आपकी इसमें टेबल में 100 फिट होता नहीं है, बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने देखा ये फॉर्मूला, आर्स पर बैच, आर्स रिक्वायर्ड पर बैच इक्वल टू लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ लर्निंग कवर रेशियो, लॉग ऑफ टू एंड लॉग ऑफ एक्स। व्हाट इज लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के मीन्स योर बेस आर्स, आपका बेस क्या था, इनिशियल बैच को बनाने में 1000। देन लॉग ऑफ लर्निंग कवर रेशियो, लॉग ऑफ लर्निंग कवर रेशियो लॉग ऑफ 0.9, लॉग ऑफ 2 एंड लॉग ऑफ 10, ओके। लॉग ऑफ एक्स मीन्स नंबर ऑफ बैचेस, कितने बैचेस, 10 यूनिट इक्वल टू 1 बैच, तो 100 यूनिट्स को बनाने में आपको कितने बैचेस लगेंगे। अब लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेसिमल से पहले यू काउंट की कितने अपने पास डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, कितने डिजिट है बोलिए, 1 2 3 4, कितने डिजिट है बोलिए, 1 2 3 4, 4 से एक माइनस किया, आपके पास क्या बचेगा, 3। देन यू सी 10 का, 10 का आप देखिए, देन यू सी 10 का, 10 का आप देखिए 10, फर्स्ट 10 का आप देखिए फर्स्ट टू डिजिट का सेकंड पे, 10 का जीरो पे आपका क्या वैल्यू आएगा, 000। लॉग टेबल में देखिए पेज नंबर 14.12 पे देखिए, पेज नंबर 14.12 पे देखिए, पेज नंबर 14.12 पे देखिए आपको क्या वैल्यू आएगा, 00। अब आपका क्या हो गया, 0.9, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1। 0.9 का नहीं होता है लॉग, लॉग हमेशा स्टार्ट होता है 10 से, तो पॉइंट की जगह यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका पॉइंट हो गया। अब 90 का जीरो पे आप देखिए 14.14 पे देखिए, पेज नंबर 14.14 पे 9542, ओके। ये सॉल्व करने से पहले मेरी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपके पास होना चाहिए। देन जीरो, ये लॉग टू सिंगल डिजिट है, 1 माइनस 1 हमेशा आपका क्या रहेगा, 0। और 20 का जीरो पे, 20 का जीरो पे आप जरा देखिए 14.12 पे आपको आएगा 3010। लॉग ऑफ 10 कितने डिजिट हो गए, 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 1। अब 10 का जीरो पे, 10 का जीरो पे 14.12 पेज पे देखिए 00।
इसको आप रिपीट 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 करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सही है सर। ओके, अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको क्या वैल्यू आ रहा है वो जरा आप देख लीजिए। इट मींस 0.9542 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 इनटू 1 प्लस 3, आपको वैल्यू आएगा 2.84 2.8478, आपको वैल्यू आएगा। देखो क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर, ये आपका आ जाएगा 0.9542 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 2.8478, इट मींस आपका वैल्यू आएगा 2.8478 क्या वैल्यू आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 2.8478। सही है सर, आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 2.84 से, बस हो गया, अभी ज्यादा नहीं, 2.8478 आपका क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो 2.8478। सही है सुनो, अब आप देखिए, अब आपका आएगा, इसका अपन को निकालना पड़ेगा एंटी लॉग, इसका क्या निकालना पड़ेगा अपने को एंटी लॉग, एंटी लॉग, इसका मतलब एंटी लॉग कैसे निकलता है, 84 का सेकेंड पे और 8 पर मीन डिफरेंस, 84 का देखेंगे 7 पर और 8 पर देखेंगे मीन डिफरेंस, कुछ नहीं है, एक ही सम को बार बार करोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। अभी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, क्या देखेंगे 84 का 7 पे, कहां से, एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में 84 का 7 पे और 8 पे मीन डिफरेंस, 8 पर मीन डिफरेंस, 8 पर आपका क्या आएगा मीन डिफरेंस 84 का 7 पे। अब आप आ जाइए एंटी लॉग टेबल निकालिए, पेज नंबर एंटी लॉग आपको दे रखा है पेज नंबर 14.15 से, 14.15 पेज से आपको स्टार्ट करना है, 14.15 से देखना है 84, अब 84 आएगा आपका पेज नंबर, हाँ 84 आपका आएगा फ्रेंड्स, 84 आपका आएगा पेज नंबर 14.17, ठीक है 84 का 7 पे देखिए आप, 84 का 7 इट मीन्स 84 का 7 पे देखिए पेज नंबर 14.17 84 का 7 पे 7031 और उसी लाइन में 8 पर मीन डिफरेंस देख लीजिए, उसी लाइन में 8 पर मीन डिफरेंस देख लीजिए, उसी लाइन में आपको 8 पर मीन डिफरेंस देखना है, आपको उसी लाइन में 8 पर मीन डिफरेंस देखना है, उसी लाइन में आपको 8 पर मीन डिफरेंस देखना है 84 का 7, 8 पे मीन डिफरेंस आपको आएगा 13, आपका वैल्यू आ जाएगा 7031 प्लस 13 इज 7044। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आपने क्या निकाला फ्रेंड्स, ये आपका हो गया एंटी लॉग,
अब आपको वैल्यू सॉल्व करके आ गया, ये पूरा की पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ रहा है, 2.8478। अब आप देखिए 84 फर्स्ट टू डिजिट 84 का एंटी लॉक टेबल में देखिए 7 पे, क्योंकि 84 7 है। और उसी में आगे चल के आप देखिए मीन डिफरेंस किसके ऊपर, 8 के ऊपर, ये आपको दे रखा है 14.15 से स्टार्ट होके 14.17 तक आपको एंटी लॉक टेबल है। तो आपका क्या आएगा, 84 का 7 पे 7031 और 8 पे मीन डिफरेंस 13 एंड टोटल 7044। आपका क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके आपको वैल्यू आएगी 7044। आपको वैल्यू क्या आ रही है, 7044। बस एक लास्ट 1 मिनट, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 में हमेशा 1 ऐड करना, जो भी वैल्यू है उसमें ऐड कर दो 1, आपको क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब 1, 2, 3 के बाद डेसिमल लगाइए। इसका मतलब अगर आप 100 यूनिट्स बनाना चाहते हैं, इफ यू वॉन्टेड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, तो आपको टाइम लगेगा 704.4 आवर्स पर बैच। आपको कितना लगेगा फ्रेंड्स, 704.4 आवर्स पर बैच। आपको कितना बनाने, आपको बैच बनाने 100 यूनिट्स। इसका मतलब टोटल आवर्स इक्वल टू 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स इनटू 704.4। 100 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 704.4 इज 7044 आवर्स। आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज 7044 इंटू रुपीज 10। ऑलराइट फ्रेंड्स, इट मींस आपका टोटल हो जाएगा 7044 इंटू 10 इज 70,440। ऑलराइट फ्रेंड्स, 70,440 आपका है और आपका एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपका निकल के आ जाएगा 70,440 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स। इट मींस 70,440 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स इज 704.4 पर यूनिट। सही आंसर होगा, परफेक्टली क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, द फर्स्ट 100 यूनिट्स। ओके, सपोज अगर मैं इसी में आपको बोलता हूँ, सपोज इफ द प्रोडक्शन इक्वल टू 200 यूनिट्स, इट मींस इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 200 यूनिट्स, बराबर। अब आप देखिए 200 क्या टेबल में फिट होता है, क्या 200 टेबल में फिट हो रहा है, देखिए आप 10, 20, 40, 80, 160, इट मींस 200 भी टेबल में फिट होता नहीं। इसका मतलब अगर टेबल में फिट नहीं होता है तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा लॉग वाला। इट मींस क्या था, आर्स पर बैच इक्वल टू लॉग ऑफ के मींस 1000, लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो लॉग ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 इनटू लॉग ऑफ 20, बिकॉज 10 यूनिट्स इक्वल टू 1 बैच, तो 200 यूनिट के लिए आपको कितने बैच लगेंगे, 20। एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ बैचेस। सही है, सुनो, एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ बैच। अब लॉग ऑफ 1000, इट मींस कितने डिजिट है, 4 में से 1 माइनस किया क्या हो जाएगा आपका, इट मींस 3।
अब 10 का 0 पे लॉग टेबल देखिए जरा, सीधा लॉग टेबल कहां पर है, लॉग टेबल, लॉग टेबल 14.12, 10 का 0 पे आपका क्या आएगा 0.1034, देन लॉग ऑफ 0.9, 0.9 मींस 1 में डिजिट के पहले क्या है 0, 0 माइनस से 1 माइनस किया माइनस 1 प्लस, अब 9 का नहीं होता पॉइंट लिख दिया यहाँ, 90 का 0 पे आप देखिए, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 90 का 0 पे आप जरा देखिए फ्रेंड्स 9542, पेज नंबर 14.14, 9542, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 सिंगल डिजिट है 1, 1 माइनस 1 इज है 0 पॉइंट, 20 का 0 पे देखिए जरा, 2 का नहीं होता तो 20 का 0 पे आप देखिए 3010 इंटू 20, 20 कितने डिजिट है 2, 2 माइनस 1 1, 20 का 0 पे देखिए 3010, सही है सुनो, ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑलराइट ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इट मींस 0.9542 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3010 इंटू 1.3010 प्लस 3, 2.8020, और इसका अपन क्या निकालेंगे एंटी लॉग, इसका अपन क्या निकालेंगे फ्रेंड्स एंटी लॉग, इसका अपन क्या निकालेंगे बोलो एंटी लॉग 2. अब एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, एटी का 2 पे आप जरा देखिए एंटी लॉग टेबल एटी का 2, एंटी लॉग टेबल एटी का 2, एंटी लॉग टेबल आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 14.15 से, तो 14.17 पे आप आ जाइए एटी का 2, एटी का 2 इज 6339, जीरो का कुछ होता ही नहीं है, 80 का 2 पर देखा अपन ने जीरो का कुछ मीन डिफरेंस होता ही नहीं है राइट ओके, 80 का 2 आप बताइए फ्रेंड्स 80 का 2 ओके, जीरो का मीन डिफरेंस होता नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, 2 के बाद 2 प्लस 1 3, तो 1 2 3 के बाद आपका ये लग जाएगा, इट मीन्स अगर आपको 200 यूनिट्स बनाना है तो एवरी बैच को बनाने में आपको टाइम लगेगा 633.9 पर बैच को, इसका मतलब आपका टोटल आवर्स क्या हो जाएगा, योर टोटल आवर्स विल बी 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स इनटू 12678 और आपको एवरेज कॉस्ट अगर आपको निकालना है, एवरेज कॉस्ट विल बी 126780 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स, सो 126780 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स इज 633.9 आपका पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा 633.9, सही है, ये आपको क्लियर हुआ। तो अगर क्या इसमें कैच क्या था कि अगर इस टेबल में है, बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि कहां लॉग लगेगा कहां एंटी लॉग लगेगा, क्योंकि उनको बेसिक कोई सिखाता ही नहीं है, बेसिक सीखने को तैयार नहीं है बच्चे। अब मुझे आ रहा है जब मैं पेपर चेक कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है अरे बच्चों का तो बेसिक इतना वीक है कैसे काम चलेगा। तो बहुत ही कम आर्स में मैं आपका ये क्रैश कोर्स बना रहा हूं, जिसमें क्या है आपको ज्यादा मगजमारी में बहुत कम कॉस्ट में आपका ये क्रैश कोर्स बन जाएगा।
आप मुझे रजिस्टर्ड कर दीजिए, आप राइट मुझे एक बार मैसेज करेंगे तो अपना नंबर आप रजिस्टर्ड करा दीजिए मेरे पास, तो जो जो सॉफ्ट कॉपी में जो जो मटेरियल रहेगा या जो वीडियो फ्री है वो मैं आपको भेजता जाऊंगा। उसके बेस पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वीडियो खरीदना चाहिए तो आप खरीद लेना, नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर से काम हो जाता है सॉफ्ट कॉपी से तो नो प्रॉब्लम। कंफर्टेबल फ्रेंड्स, से या सुनो, आपको क्लियर है बात? आप मुझे रजिस्टर्ड करा देना मेरे नंबर पर 9820030925। सर आई एम ए सी ए फाइनल स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट सॉफ्ट कॉपी। एक बार अगर आपने रजिस्टर करा दिया तो मेरे पास जो जो आता जाएगा मैं आपको भेजता जाऊंगा बार बार। आर यू फॉलोइंग ऑन नोट फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर नोट। अब कभी कभी क्या रहता है, इफ इन द क्वेश्चन द लैंग्वेज इज यूज लाइक, ये मतलब ऐसा समय यहाँ पे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो मैंने सॉल्यूशन बुक में लिखा है इफ इन द क्वेश्चन द लैंग्वेज इज यूज लाइक इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल रिपीट एडिशनल देन कैलकुलेशन विल बी एज फॉलोज। इफ इन द क्वेश्चन, मैंने सॉल्यूशन बुक में लिखा है आपकी में, इफ इन द क्वेश्चन द लैंग्वेज इज यूज लाइक इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल रिपीट एडिशनल देन कैलकुलेशन विल बी एज फॉलोज। क्या पूछ रहा है अपने से, देखिए जरा क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। थर्ड आपका आंसर है, आंसर नंबर थ्री क्या पूछ रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसका मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ए 41 to 80, इट मींस टोटल कॉस्ट फॉर 80 माइनस टोटल कॉस्ट फॉर 40, तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगा 41 to 80। ओके, अब टोटल कॉस्ट ऑफ 80 को आपने निकाला था, देखो जरा टोटल कॉस्ट ऑफ 80 इधर गया आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ 80 इज 58,320। टोटल कॉस्ट ऑफ 80 इज 58,320। योर टोटल कॉस्ट ऑफ 80 इज 58,320 and total cost of 40. Total cost of 40 is 32,400. Fifty-eight three twenty minus thirty-two four hundred is twenty-five nine twenty. This is for additional 40. आपका per unit क्या आ जाएगा divided by 40 is 648 per unit. Okay, तो आपसे क्या पूछा फ्रेंड क्वेश्चन में, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ए 41 to 80 एंड देन बी 101 to 200, इट मीन्स योर टोटल कॉस्ट ऑफ 200 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 100, तो 101 to 200 राइट एडिशनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 200 126,780 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 100, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 इज 70,440। कैलकुलेट किया था ना फ्रेंड अपन ने, 440, इट मीन्स 126,780 माइनस 70,440 इज 56,340 डिवाइडेड बाई 100, आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 563.4 पर यूनिट। ये मैक्स टू मैक्स आपसे इतना एग्जाम में पूछ सकते हैं राइट।
तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन है, अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, पहले जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या आपको क्वेश्चन में ढूंढना है बोलो। आपको क्वेश्चन में पहले ढूंढना है इनिशियल बैच, इनिशियल बैच उसको बनाने में कितने बेस आवर्स हैं, वो व्हाट इज माय लर्निंग कर्व रेशियो। अगर वो डायरेक्टली निकल आता है तो नो प्रॉब्लम, 320 डायरेक्टली निकला था, 40 डायरेक्टली निकला था, 80 डायरेक्टली निकला था। अगर नहीं निकलता है, टेबल में नहीं बैठता है, तो फिर आपको ये लॉग के लिए ये फॉर्मूला को बाय हार्ट करना है। जब ये फॉर्मूला आपने बाय हार्ट कर लिया, उसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इज ए इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कभी भी लैंग्वेज यूज किया है, इफ इन द क्वेश्चन द लैंग्वेज यूज लाइक इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, रिपीट, एडिशनल, देन योर कैलकुलेशन विल बी एज फॉलो। सही है सर, तो आप मेरी ये सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, राइट। और जैसे जैसे चैप्टर, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने स्टार्ट किया है, मैं भी काफी बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो कॉस्टिंग की वजह से। अब ICAI बोल रहा है कि नहीं कॉस्टिंग को सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट में ले लो, मेन सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, कॉस्टिंग तो रहेगा, एक हाईली लॉजिकल सब्जेक्ट कॉस्टिंग है, लेकिन ICAI क्या सोचता है, दिस इज अप टू देम, राइट। अब उनके उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, कॉस्टिंग को मेन सब्जेक्ट में रखना चाहिए। ओके, तो आप मुझे रजिस्टर करा दीजिए 9820030925 पे, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, एंड व्हाट्सअप पे आपको मैं अपना जो भी होता जाएगा पॉसिबल मटेरियल मैं भेजता जाऊंगा। एवरीडे आप मत पूछे कब होगा, कब होगा, कब होगा, पूरा कब मिलेगा, जैसे जैसे होगा मैं आपको भेजता जाऊंगा। ओके, इतना करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो को आप बराबर 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 देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वो क्या बोलते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, राइट। लाइक कमेंट से क्या मजा आता है थोड़ा करके ना। ओके, कैसा लग रहा है आपको बताइए। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ यू जस्ट रिफर योर क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 14.3। क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 14.3, राइट। ऑल राइट फ्रेंड, ए कस्टमर हैज आस्क्ड योर कंपनी टू प्रिपेयर ए बिड ऑफ सप्लाइंग 800 यूनिट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन विल बी इन ए बैच ऑफ 100 यूनिट्स, यू एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स विल बी एवरेज 100 ए यूनिट, प्लीज अंडरलाइन दैट ए यूनिट। You estimate that the cost for the first batch of 100 units will be average 100 a unit. You also expect that an 90% learning curve will apply to the cumulative labor cost on this contract required. Prepare and estimate the labor cost for the fulfill this contract. Estimate the incremental labor cost of extending the production run to produce an additional 800 units. Estimate the incremental labor cost of extending the production run from 800 to 900 units. अब सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप टेबल में गिवन करके लिख लीजिए, राइट। सो दिस इज योर गिवन, ओके, इनिशियल बैच, इनिशियल बैच इट मींस इन यूनिट्स, देन कॉस्ट पर बैच, ओके, एंड लर्निंग कर्व रेशियो, ओके। इनिशियल बैच 100 यूनिट्स, 100 एंड पर यूनिट का कॉस्ट इज 100, इट मींस रुपीज 10,000 पर बैच, 10,000 पर बैच, एंड लर्निंग कर्व रेशियो इज 90%. It means if 200 units, 90% of 10,000 is 9,000 rupees per batch. पहले क्वेश्चन में आर्स था, यहां पे आपको डायरेक्टली क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, राइट। देन 400 यूनिट्स, दिस इज योर 90% of 9,000 is 8,100, then 800 units,
90% ऑफ 8100 पेज 7290 एंड 1600 यूनिट्स एंड 90% ऑफ 7290 का 90% इज 6561. आर यू फॉलोइंग ऑन ऑर्डर? क्या बोल रहा है? इफ ए कस्टमर हैज आस्क्ड योर कंपनी टू प्रिपेयर ए बिड ऑफ सप्लाइंग 800 यूनिट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन विल बी इन ए बैच ऑफ 100 यूनिट्स, इन ए बैच ऑफ 100 यूनिट्स. यू एस्टिमेट दैट द कॉस्ट फॉर द फर्स्ट बैच 100 यूनिट्स विल एवरेज 100 ए यूनिट. 100 इंटू 100 10,000 रुपीज ए यूनिट. लर्निंग कर्व रेशियो इज 90%. राइट. नाउ सपोज अगर आपकी यूनिट्स डबल हो जाती है, अगर आपकी यूनिट्स डबल हो जाती है 200, इट मीन्स 90% ऑफ 10,000 इज ए 9,000. 400, इट मीन्स 90% ऑफ 9,000 8,100. 800, 90% ऑफ 8100 7290. 1600, 657, 90% ऑफ 7290. 90% ऑफ 7290. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, बताइए. ये आपका हो गया 6561. सही है सुनो फ्रेंड्स. अब आप आराम से क्वेश्चन को एक बार, ये इनिशियल बैच यूनिट्स आपके, ये कॉस्ट पर बैच कॉस्ट आपको दे रखा, लर्निंग कर्व रेशियो क्या बोल रहा है. प्रिपेयर एन एस्टिमेट टू द लेबर कॉस्ट टू फुलफिल दिस कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? इट मींस कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है फॉर 800 यूनिट्स. इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर ए. आंसर नंबर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 800 यूनिट्स. ओके, अब 800 किस में आएगा फ्रेंड्स? इट मींस 800 पर बैच का क्या है? 7290. 800 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, इट मींस 8 बैचेस. दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इक्वल टू इनटू 7290. अगर आप 800 यूनिट्स बनाते हैं तो पर बैच को बनाने में आपको कितना लगेगा? 7290. इट मींस टोटल कॉस्ट विल बी 800 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 7290 इज 58320. सही है. क्या बोल रहे हैं? आंसर बी. आंसर नंबर बी. एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल, मैंने आपको क्या बताया था? इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन प्रोड्यूस एन एडिशनल 800 यूनिट्स. इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर 800 यूनिट्स, इट मींस कॉस्ट फॉर 1600 यूनिट्स. कॉस्ट फॉर 1600 यूनिट्स बराबर, कॉस्ट फॉर 1600, 1600 100 यूनिट का वन बैच इक्वल टू, अब 1600 आपका फिट होता है क्या? आंसर इज यस. 1600 अगर बनेगी तो हर बैच को बनाने में कितना लगेगा? 6561. तो टोटल विल बी 1600 by 100 into 6561, 104976 minus cost for 800 units is
58,320, तो एडिशनल 800 के लिए, 800 के लिए आपका कॉस्ट हो जाएगा माइनस 58,320, 46,656. सही है सर, आंसर नंबर ए आपका हो गया, आंसर नंबर ए स्ट्रेट आपको दे रखा है 800, तो टेबल में ही आ रहा है 800, 100 का एक बैच है, पर बैच को बनाने में ये कॉस्ट आपका रुपीस ये आ जाएगा। देन यू गो आंसर बी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 800 यूनिट्स फॉर 1600, ये कॉस्ट आएगा 800 का, हम लोगों ने ये कॉस्ट निकाल ही नहीं जाता, ये हो गया और एडिशनल कॉस्ट आपका। अब क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन फ्रॉम 800 to 900। अब आपका आ जाएगा दिस इज सी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट फ्रॉम 800 to 900 units, it means cost for 900 units, cost for 900 units minus cost for 800 units, आपको क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 800 to 900। अब 900 अगर अपन देखते तो 900 इसमें फिट होता नहीं है, 900 इसमें फिट नहीं हो रहा है, 100 है, 200, 400, 800, 600, लेकिन 900 इसमें फिट नहीं है, और अपने को लॉक का वैल्यूज भी नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में लॉक का वैल्यूज भी नहीं दे रखा है, राइट, तो अपन क्या ले लेंगे, इट मीन्स कॉस्ट फॉर 900 यूनिट्स, कॉस्ट पर बैच इक्वल टू लॉग ऑफ के, व्हाट इज द लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ 10,000, लॉग ऑफ के, राइट, तो लॉग ऑफ 10,000 प्लस लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो 0.9 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ, कितने बैचेज बनेंगे अपने, 100 यूनिट्स इक्वल टू 1 बैच है, लॉग इक्वल टू 9। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका लॉग ऑफ के मीन्स आपका बेस आर्स या बेस कॉस्ट आपको दे रखा है, दिस इज योर बेस कॉस्ट, ये आपको हमेशा गिवन रहता है, ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है और ये हमेशा आपको नंबर ऑफ बैचेस देता है। सही है सुनो, ये हमेशा आपको क्या देगा, नंबर ऑफ बैचेस। सही है सुनो, ओके, तो लॉग ऑफ 10,000 इट मीन्स इक्वल टू कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 4 गया तो 1 गया तो 4, और 10 का 0 पे लॉग टेबल देखो जरा, 14.12, 10 का 0 पे इट मीन्स 1, 2, 3, 4 प्लस 0.9 इट मीन्स माइनस 1 प्लस 90 का 0 पे देखो जरा, ओके, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पहले भी देखा था अपने 90 का 0 पे लॉग टेबल, 90 का 0 पे 9542, इट मीन्स ये कितने हैं, 5 डिजिट हैं, बराबर, 5 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट। अब फर्स्ट का 10 का 0,0 पे लॉग टेबल देखा तो आपका क्या आ गया, अभी कैलकुलेट किया था 0,0,0,0 प्लस माइनस 1 प्लस 90 का 0 पे देखो जरा, 90 का 0 पे 9542 का सिंगल डिजिट 0
पॉइंट 20 का जीरो पे देखो 3010 इंटू 9 का जीरो, 9 का जीरो पर 9542 जीरो 9542 इट मीन्स सॉल्व हो के आ जाएगा 0.9542 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.3010 इंटू 0.9542 प्लस 4 3.8548 cost per batch log of 10,000 ये आपका base cost आपको दे रखा था 10,000 friends ये 10,000 base cost आपको दे रखा था 10,000 ये आपका आ जाएगा 10,000 log of 0.9 ये आपका value आ गया log of 2 log of 9 आपका आ गया total solve हो के आ गया 3.8548 सही है सुनो अब इसका अपन क्या निकालेंगे फ्रेंड्स इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग मीन्स क्या 85 का 4 पे और 8 पे मीन डिफरेंस बराबर 85 का 4 पे निकालो आप एंटी लॉग 85 का 4 पे 85 का 4 पे आप निकालिए 85 का 4 पे 85 का 4 पे 7145 85 का 4 पे और 8 पे मीन डिफरेंस 8 पे मीन डिफरेंस आपका आ रहा है 8 पे मीन डिफरेंस है आपका 8 पे मीन डिफरेंस आ रहा है आपका देखिए फ्रेंड्स 8 पे मीन डिफरेंस आपका आ रहा है 85 का 4 8 पे मीन डिफरेंस 13 टोटल आपका होगा 7145 प्लस 13 इज 7158 क्या हो जाएगा आपका 7158 ओके और यहाँ पे क्या था वैल्यू 3 मीन्स 4 1 2 3 4 इसका मतलब अगर आप 900 यूनिट्स बनाते तो वन बैच को बनाने में कितना लगेगा 7158 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 900 7158 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 100 इज 64422 और 800 का कॉस्ट क्या आ रहा था 58320 माइनस 58320 इज 6100 800 टू 900 में आपका कॉस्ट क्या आएगा 6102 सही है सुनो परफेक्टली क्लियर हो अगर आपका अभी देखो टेबल में अगर आपका बैठता है तो आप टेबल में ले लो और टेबल में नहीं बैठता है तो यू यूज द लॉग टेबल तो ये अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे हम लोग को लॉग टेबल देगा एग्जाम के अंदर राइट अगर लॉग का वैल्यू लिख के देगा प्रिंट करके देगा तो फिर आपको लॉग टेबल नहीं देगा सही है सुनो परफेक्टली क्लियर और एक जरा देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 14.4 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 14.4
एक्स वाई जेड एंड कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग डाटा, एक्स वाई जेड कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग डाटा, 80% एवरेज टाइम कर्व, आपका लर्निंग कर्व 80% दे रखा है, क्यूमुलेटिव 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, एवरेज आवर्स, टोटल आवर्स एंड मार्जिनल आवर्स। एवरेज आवर्स, एक्स वाई जेड एंड कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग डाटा, 80% एवरेज टाइम, से यस और नो फ्रेंड्स, 80% आपको क्या दे रखा है, इज ए एवरेज टाइम। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ दिस इज गिवन यू, एक्स वाई जेड एंड कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग डाटा, 80% एवरेज टाइम कर, इट मीन्स आपका लर्निंग कर्व आपको दे रखा है 80%, क्यूमुलेटिव यूनिट्स इट मीन्स 1, 2, 3, 4, एवरेज आवर्स, अब देखो 1 को बनाने में 100 आवर्स है और लर्निंग कर्व आपका 80% है, तो 2 को बनाने में क्या हो जाएगा 80% ऑफ 100, 4 को बनाने में क्या हो जाएगा 80% ऑफ 80, 64, टोटल आवर्स है मार्जिनल, रिक्वायर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके नो प्रॉब्लम, इट मीन्स स्टेटमेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 14.4, स्टेटमेंट शोइंग fill in the blanks, okay, cumulative units hours per batch, तो यहां पर तो सिंगल यूनिट है तो वही लगेगा, ओके, then total hours and then marginal hours, total hours and then marginal hours, okay, and आपका learning curve ratio आपको दे रखा है 80%, it means 1 unit hours is 100, okay, then 2 units hours हो जाएंगे आपके 80% of 100, it means 80, this is per batch, यहाँ पे तो 1 batch equal to 1 unit है, तो per unit भी लिख सकते हैं, this is 1 batch, then 3 का problem है, 4 का तो directly ले सकते हैं अपन, 80% of 80% of 80 is 64 per batch, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, बोलो आप, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स, क्यूमुलेटिव यूनिट्स 1 unit 2 unit 3 and 4, आवर्स पर बैच एंड योर लर्निंग कर्व रेशियो इज 80%, फ्रेंड्स, 1 unit 100 पर बैच, 2 units 80 पर बैच एंड 4 डबल होना चाहिए यूनिट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके यूनिट्स होने चाहिए डबल, लेकिन 3 में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, 3 में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 3 1 का सिंपल निकल जाएगा, 1 का सिंपल निकल जाएगा, 2 का एंड 4 का, मैंने आपको क्या बताया कि डबल होना चाहिए, और 3 में तो ठीक है, तो यू प्रिपेयर नोट नंबर 1, इट मींस नोट नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आवर्स पर बैच इक्वल टू log of k, what your k, k is a 100 initial batch, log of 100 plus
log of learning curve ratio divided by log of 2 into log of 3, because 3 batches बनेंगे ना, 1 unit equal to 1 batch है ना आपका, आपका 1 unit equal to 1 batch है, आपका 1 unit equal to 1 batch है, it means 100, it means कितने numbers हो गए, ये 3 digit, 3 minus 2 is, 3 minus 1 is 2, 2 point, 10 का 0 पे, log 0, 0, 0, this is minus 1, plus, अभी 0.8 का नहीं होता, तो 80 का 0 पे देखो जरा, log table में 80 का 0 देखो, 80 का 0, log table में 80 का 0, 80 का 0 is 9031, 80 का 0, 80 का 0, 80 का 0 is 9031, is 9031, ये single digit है, 1 minus 1, 0, 20 का 0, 20 का 0 is 3010 into 0, 30 का 0, 30 का 0 is 4771, so this comes to the total, check करिए friends आप, total it means 0.9031 minus 1 divided by 0.3010 into 0.4771 plus 2, 1.8464, say yes or no friends, 1.84 and 64. Alright friends, it means 0.9031 minus 1 divided by 0.3010 into 0.4771 plus 2 किया तो 1.8464, 84 का 6 पे और 4 पे mean difference, right? इसका क्या निकालेंगे अपन, NT log, okay? 84 का एंटी लॉग, 84 का 6 पे, एंटी लॉग 84 का 6 पे, 84 का 6 पे, टेबल देखो जरा, एंटी लॉग का टेबल देखो, 84 का पेज नंबर 14.17 पे देखो, पेज नंबर 14.17, एंटी लॉग टेबल पेज नंबर 14.17, 84, 84 का 6 पे 7015 और 4 पे मीन डिफरेंस, 7015 एंड 4 पे मीन डिफरेंस इज 6, सो दिस कम्स टू 7021, यहां पे वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, तो 70.21, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग, if production equal to 3 units, then आपको time लगेगा 70.21 per batch, 70.21 per batch, 70.21 per batch, 70.21 पर बैच, ओके, अब यहाँ पे आ जाइए आप, 100 इनटू 1, 100 आर्स, देन 80 आर्स, 2 यूनिट 1, इट मींस 2 बैचेस, 160 आर्स, देन 70.21 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 बैचेस, इट मींस 3 इनटू 70.21 इज 210.63, then 64 into 4 by 1, 64 into 4 by 1 is 256,
सो 100 माइनस 0 इज 100, 160 माइनस 100 60, 210.63 माइनस 160, 210.63 माइनस 160 इज 50.63, 256 माइनस 210.63, 256 माइनस 210.63 इज 45.37. Say yes or no, friends. 100, then 100 hours, then 60 hours, then 50.63 hours, and then 45.37. It means 1 अपने को दे रखा था 100 hours, और लर्निंग कवरेज रेशियो अपने को 80% है. तो अगर डबल करेंगे तो 80% हो जाएगा, फिर डबल करेंगे तो ये हो जाएगा. लेकिन ये इसमें फिट नहीं बैठता, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने बना दिया टेबल. सही है सुनो, इसके लिए हम लोगों ने क्या बना दिया, टेबल बना दिया. परफेक्टली क्लियर हो, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए, प्रॉपरली क्लियर होना प्रॉपर. राइट फ्रेंड्स, नाउ यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 14.5 फ्रॉम क्वेश्चन बुक. एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके, जैसे रिफर, ओके, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बराबर. जब ये एग्जाम में पूछा था तो इंस्टीट्यूट ने आपको लॉग टेबल अलग से प्रोवाइड की थी, मींस लॉग वैल्यूज नहीं थी, ये एग्जाम का समय, ओके. तो यहाँ पे आपको लॉग वैल्यूज नहीं दी थी क्वेश्चन पेपर में, आपको लॉग टेबल प्रोवाइड की थी, ओके. तो मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि लॉग वैल्यूज अगर नहीं दे रखी है पेपर में तो कैसे करेंगे. तो जरा आप देख लीजिए, एक कंपनी हैज 10 डायरेक्ट वर्कर्स हु वर्क्स 25 डेज अ मंथ 8 आवर्स पर डे. इट मींस अपने पास 10 वर्कर है और वो 25 डेज काम करते हैं और 8 आवर्स काम करते हैं. इट मींस टोटल हमारा क्या हो जाएगा इज 2000 आवर्स. इट मींस 10 वर्कर्स इनटू 25 डेज इनटू 8 आवर्स इज 2000. द एस्टिमेटेड डाउन टाइम फॉर द टोटल अवेलेबल टाइम, इट मींस दिस इज योर डाउन टाइम. आपको डाउन टाइम दे रखा है 25% ऑफ 2000, इट मींस दिस कम्स टू 500. सो 2000 माइनस 500 इज 1500 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं. द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर, द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ए प्रोडक्ट, फॉर ए न्यू प्रोडक्ट. द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. इसका मतलब ये आपकी यूनिट्स 1 और आर्स आपका क्या रहेगा 40. ये आपका बैच 1 यूनिट का और बेस आर्स आपके क्या हो जाएंगे 40. द कंपनी एक्सपेक्ट 80%, इट मींस लर्निंग कर्व रेशियो, लर्निंग कर्व रेशियो आपका क्या रहेगा 80%. इंडेक्स इज 0.322. एक्चुअली दिस इज जस्ट वेट हाँ फ्रेंड्स, द कंपनी एक्सपेक्ट 80% लर्निंग कवरेज. इसका मतलब आपका लर्निंग कवरेज क्या है 80%, और उसका इंडेक्स, इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यू मैं अलग से आपको बताता हूं. लर्निंग कर्व फॉर दिस टाइप, द कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इसका मतलब स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या रहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिकवरी रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड. मैं आपको स्टैंडर्ड के टाइम पे बताऊंगा रिकवरी रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड. द कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट डेटा आर एज अंडर. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका 60 है, डायरेक्ट लेबर 6 रुपीज पर आर है, वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपीज पर आर है, फिक्स्ड ओवरहेड 7500 है. इसका मतलब टोटल आपके पास आर्स से 2000, डाउन टाइम 500, 1500, तो आपका रिकवरी रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड आपका क्या हो जाएगा इज
7500 divided by 1500 and this comes to 5 rupees. Calculate the cost per unit for 30 units. इसका मतलब 1 unit हमारा base है 1, 2, 4, 8, 16, 32. इसका मतलब आपको log लगाना पड़ेगा. If the company receive a repeat order of 20 units, what price will be quoted to yield a profit 25% on selling price? Okay. अब रिपीट ऑर्डर आपका 20, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन हो जाएगा 50. तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसका मतलब इसके लिए भी आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा. ओके, तो देखो जरा, पहले दिस इज जो अपनी स्टाइल है वही ले लेते हैं. गिवन यूनिट्स आर्स पर बैच लर्निंग कर्व रेशियो. ओके, यूनिट्स 1 आर्स 40, लर्निंग कर्व रेशियो 80%. इट मींस फर्स्ट आर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 30 यूनिट्स, आर्स फॉर production of 30 units, hours for production of 30 units, okay, hours for production of 30 units, okay. अब देखो 30 में, it means 1, 2, 4, 8, 16, 32, इसका मतलब टेबल में यूज होगा नहीं क्योंकि 30 आपका अलग है. फिर वो बोल रहा है रिपीट 20, इट मींस रिपीट ऑर्डर ऑफ 20, इसका मतलब 30 प्लस 20 आपका हो गया 50, 32 एंड 64, इसका मतलब 50 भी इसमें आएगा नहीं, ये इसमें आएगा. ओके, 30 यूनिट्स. ओके, रिफर नोट नंबर 1. आर फॉर प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, आर्स for 50 units, hours for 30 units, then hours for 20 units, okay? और इसके लिए भी यू रेफर नोट नंबर 1. इसके लिए भी रेफर नोट नंबर 1. सही है सर. नाउ नोट नंबर आर्स फॉर production of 30 units, hours for production of 30 units, hours for production of 30 units, right? It means hours per batch equal to log of k log of learning curve ratio divided by log of 2 into log of x. Okay, log of k, log of 40, log of k means आपका log of क्या आ जाएगा,
40, सही है सुनो फ्रेंड्स, प्लस प्लस लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो, लॉग ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 इनटू लॉग ऑफ 40, लॉग ऑफ 40 इट मींस टू नंबर्स, टू डिजिट, 1 पॉइंट। अब 40 का जीरो पे आप जरा देखिए लॉग टेबल में, लॉग टेबल में आपका 40 का जीरो इज 6021, 6021 लॉग ऑफ 0.8, इट मींस -1, बिकॉज डेसिमल से पहले आपका क्या है, डेसिमल से पहले आपको क्या दे रखा है फ्रेंड, जीरो दे रखा है, जीरो माइनस वन माइनस वन। अब 80 का जीरो पे, सो 80 का जीरो इज 9031 जीरो। 20 का जीरो पे, 20 का जीरो पे लॉग टेबल, लॉग टेबल 20 का जीरो पे 3010 लॉग ऑफ एक्स 40, 2 2 माइनस 1 1, 40 का जीरो, 40 का जीरो अपन ने निकाला था 6021, 6021 सही है सुनो, वो प्रोडक्शन 30 है, सॉरी प्रोडक्शन 30 है ना, तो 30 बैचेज बनेंगे ना अपने, प्रोडक्शन ऑफ 30 यूनिट्स है ना, तो लॉग ऑफ 30 आएगा यहाँ 1 पॉइंट, 30 का जीरो पे, 30 का जीरो पे 4771, 4771 इट मींस 0.9031 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 इनटू 1.4771 प्लस 1.6021 इज 1.1266, इसका अपन क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, पहले अपन ने देखा अपना टेबल क्या था, स्टार्टिंग का वन यूनिट का बैच है अपने पास, ठीक है, 40 आवर्स है और आपका लर्निंग कवर रेशियो क्या है 80% है, एक यूनिट है, वन यूनिट है, आवर्स पर बैच क्या है आपका और लर्निंग कर्व रेशियो आपका क्या है 80%। नाउ आवर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 30 यूनिट्स, नोट नंबर 1, तो 30 यूनिट्स, तो 1 डबल होना चाहिए ना यूनिट्स, तो 1 2 4 8 16 32 इसमें नहीं आएगा राइट। अब आप आ जाइए, तो लॉग ऑफ 40, ओके आपका बेस है लॉग ऑफ 0.8, लॉग ऑफ 2 एंड लॉग ऑफ 30, क्योंकि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 30 एंड 1 यूनिट इक्वल टू 1 बैच, ये आपका आ गया, ये आपका निकल के आया 1 पॉइंट। अब इसका निकाल लो एंटी लॉग, व्हाट इज योर एंटी लॉग, एंटी लॉग मींस 12 का 6 पे, एंटी लॉग आप निकालो 12 का, एंटी लॉग आप निकालो 12 का 6 पे, 12 का 6 पे आपका आ रहा है, 12 का 6 पे और 6 पे मीन डिफरेंस राइट, 12 का 6 पे, 12 का 6 पे एंटी लॉग 1337 और 6 पे मीन डिफरेंस, 6 पे मीन डिफरेंस इज 2, सो 1339 इट मींस यहां पे क्या वैल्यू है आपका, वैल्यू है 1, इट मींस 1 प्लस 1 2, इट मींस 13.39, सो 13.39 इनटू 30 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1, 1 यूनिट इक्वल टू 1 बैच है ना फ्रेंड्स, इट मींस 13.39 इनटू 30 इज 401.7 और से 402 और से 402। आपके आर्स कितने लगेंगे, आपके आर्स कितने लगेंगे, आपके आर्स लगेंगे 402,
आपके कितने आर्स लगेंगे, आपके आर्स लगेंगे 402, सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो नोट, आपके कितने आर्स लगेंगे 402, आपके आर्स आ गए फ्रेंड्स यहाँ पे इज 402, यहाँ पे भी 402, नाउ आर्स यू वांट फॉर 50, ओके, नाउ यू वांट आर्स फॉर 50 यूनिट्स, इट मींस आर्स पर बैच इक्वल टू लॉग ऑफ 40 प्लस लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो 0.8 लॉग ऑफ 2 इंटू योर लॉग ऑफ 50, ओके, नाउ 1 पॉइंट 40 का जीरो पे लॉग, 40 का जीरो पे लॉग, लॉग टेबल देखिए 40 का जीरो पे, 40 का जीरो पे लॉग आपका आएगा 6021, 40 का जीरो पे 0.8 माइनस 1 प्लस 80 का जीरो पे, 80 का जीरो पे इज 9031, 0.9031 जीरो, 20 का जीरो पे लॉग, लॉग 20 का जीरो पे इज 3010 एंड 1 पॉइंट, 50 का जीरो पे लॉग 50 का जीरो पे, 50 का जीरो पे इज 6990, सॉल्व किया इट मींस 0.9031 माइनस 1 डिवाइडेड 0.9031 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 इनटू 1.6990 प्लस 1.6021 इज 1.0551, और इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे एंटायर लॉग, ओके, 1 पॉइंट दिस, ओके, आर्स पर बैच लॉग ऑफ 40 लॉग ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड लॉग ऑफ दिस इक्वल टू 1.6021 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब इसका अपन क्या निकाल लेंगे फ्रेंड्स, इसका अपन निकालेंगे एंटी लॉग, इसका अपन क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग मींस 0.5 का 5 के ऊपर और 1 पे मीन डिफरेंस। अब आप एंटी लॉग में आ जाइए फ्रेंड्स, 0.5 का 5 पे, 0.5 5 का 5 पे 1135 और 1 पे मीन डिफरेंस 1135 और 1 पे मीन डिफरेंस आपका 0 है और यहां पे वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 इज 2, इट मींस 11.35, सो 11.35 इनटू 50 यूनिट्स इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू दिस 50 बैचेस, सो 11.35 इनटू 50 इज 567.5 और यू कैन से 568, आपके आर्स हो जाएंगे 568, सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 568, सो 568 माइनस 402 इज 166, ओके, एंड सेकेंड आपका एब्जॉर्प्शन रूल, इट मींस स्टैंडर्ड, ये आपका नेक्स्ट में ले लेते अपन, ये यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो, 30 यूनिट्स का 402 आ गया, 50 का ले लिया 568, 30 का माइनस कर दिया 402, 20 का हमारा हो जाएगा 166, इट मींस व्हाट इज योर स्टैंडर्ड
एब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट, इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय आर्स। आर्स के लिए यू रिफर नोट नंबर ए, आर्स के लिए यू रिफर नोट नंबर ए, आर्स के लिए यू रिफर नोट नंबर ए। ओके, सो दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखा है 7500। ओके, एंड आर्स आपके कैसे निकले, इट मींस फ्रेंड्स आपके पास क्या क्या था, देखो 25 डेज, दिस इज योर नोट नंबर ए, दिस इज फॉर आर्स, 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 10 वर्कर्स, 25 इंटू 8 इंटू 10 इज 2000, राइट, 2000 लेस डाउन टाइम इज 25% ऑफ 2000 इज 500, इट मीन्स 2000 माइनस 500 इज 1500, 2000 माइनस 500 इज 1500, सो दिस इज 1500, तो आपका क्या हो जाएगा 5, आपका जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट है वो क्या हो जाएगा, आपका जो रिकवरी रेट है आपका क्या हो जाएगा 5 रुपीज, दिस इज योर, बिकॉज दे रखा है ना, द कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट डाटा इज गिवन बिलो। अब आपको क्या बनाना है फ्रेंड्स, आपको बनाना है इसके लिए कैलकुलेट द कास्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स, ये एग्जाम का समय आपका, हाँ, कैलकुलेट द कास्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स एंड इफ द कंपनी रिसीव अ रिपीट ऑर्डर फॉर 20 यूनिट्स, व्हाट प्राइस विल बी कोटेड टू यील्ड ए प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो दो कॉस्ट शीट अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इट मीन्स एक 20 यूनिट्स के लिए, एक 30 यूनिट्स के लिए, सो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। Thirty units, 20 units. Total per unit. कोई भी चैप्टर को करने से पहले पहले आप उसके लॉजिक को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। Then your डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। नाउ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज गिवन 60 रुपीज पर यूनिट, 1200, 30 इंटू 60 इज 1800। देन डायरेक्ट लेबर 6 रुपीज पर आर, अब आप आर्स ले लीजिए, आर्स आपके क्या थे फ्रेंड्स, आर्स आपके हैं 568, 166 एंड 402, 402 एंड 166, 402 एंड 166, 1 आर का रेट इज 6 रुपीज, ये आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, इट मींस 6 रुपीज, 402 into 6 इज 2412, 166 into 6 इज
996 2412 डिवाइडेड बाय 30 इज 80.4 एंड 996 डिवाइडेड बाय 20 इज 49.8 60 प्लस 49.8 इज 109.8 60 प्लस 80.4 इज 140.4 is 4212 1200 plus 996 is 2196. ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, प्राइम कॉस्ट 4212 एंड 140.4 2196 इट मींस 109.8. नाउ यू गो टू इनडायरेक्ट कॉस्ट. This is your factory overhead variable. What is the variable overhead? Variable overhead is rupees 5 per hour. It means 402 into 5 rupees per hour and 166 into 5 rupees per hour. It means 402 into 5 rupees per hour, 2010, 166 into 5 rupees per hour is 830. Say yes or no. Then fixed is 402 and what is the recovery date? 5. अपन ने निकाला था ना स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट 5 रुपीस. इट मींस 402 इट मींस 2010 166 इनटू 5 इज 830. दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट 4212 plus 2010 plus 2010 is 8232. 2196 plus 830 plus 830 is 3856. Divided by 20 units is 192.8. 8232 divided by 30 units is 274.4. Okay, 2010 divided by 30 is 67. 830 divided by 20 is 41.5. 830 divided by 20 is 41.5. सही है सुनो. ये आपको क्लियर हुआ कि फ्रेंड्स बताइए, ये आपका आ गया अप टू कॉस्ट. ओके, एंड देन यू चार्ज द प्रॉफिट. इसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसमें प्रॉफिट चाहिए. क्या बोल रहा है प्रॉफिट? 25% on selling price. It means if your selling price is 100, then the profit is 25 and your cost is 75, right? It means your this 3856, it means 3856 into 25 by 75. So your profit will be 3856 into 25 by 75 is 1285. ये आपका सेलिंग प्राइस 3856 प्लस 1285 इज 5141 डिवाइडेड बाई 20 इज
257.05 माइनस 192.8 64.25 और 26 यू थिंक 6 नाउ टेल मी फ्रेंड्स वेदर दिस इज क्लियर और नॉट परफेक्टली क्लियर और नॉट ये प्रॉफिट हम लोगों ने कैसे निकाल लिया ये अपना कॉस्ट आ गया था 3856 प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन सेलिंग प्राइस सो इफ योर सेलिंग प्राइस इज 100 योर प्रॉफिट इज 25 योर कॉस्ट इज दिस 25 दिस इज 75 38 एंड प्रॉफिट आपका ये हो जाएगा 3856 ये आपका ये और इससे आपका क्या आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस पर ये आपका क्या आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये एग्जाम का क्वेश्चन था राइट एग्जाम का क्वेश्चन था अच्छा अब क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है माइनस इंडेक्स दे रखा ना इंडेक्स इज माइनस 0.322 ये इसका वैल्यू है इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा देखो 0.9031 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.9031 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 देखो माइनस 0.32322 ये आपका जो इंडेक्स का वैल्यू दे रखा ना इंडेक्स लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो एज इट इज था इसका मतलब एग्जाम हॉल में बच्चों ने लॉग टेबल मांगा होगा और लॉग टेबल मांगा होगा तो कुछ लोग ऐसा पढ़ाते ही नहीं आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्या पॉइंट आता है फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स का क्या पॉइंट आता है कुछ ऐसा पढ़ाते ही नहीं है कुछ टीचर्स खाली पढ़ाते ही नहीं है मतलब अगर आपका सिंपल है टेबल में फिट हो जाता है तो लॉग की जरूरत नहीं है अब लॉग अगर लॉग की वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखी है तो ये आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला कोई सिखाते ही नहीं है जबकि ये एग्जाम में आया हुआ समय सेम समय एग्जाम में आया हुआ है सीए फाइनल में जहां पे आपको एग्जाम में तो आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा सारे लोग वही फॉर्मूला बताते हैं जहां पे वैल्यूज दे रखी है करके आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट तो ये फॉर्मूला भी आना चाहिए और वो भी मैं आपको कराता हूं जहां पे वैल्यूज दे रखी है अब मैं उस पर ही आ रहा हूं वैल्यू भी दो तरह की दे रखी होती है एक दो तरह की वैल्यू दे रखी है मैंने सारी वैरायटीज इसमें कवर की है ऑल द वैरायटीज मैंने इसमें कवर की है सारी वैरायटीज मैंने इसमें कवर की है तो आपका काम हो जाएगा आर यू गेटिंग ऑन नोट अब मैं आपको लेके चलता हूं ये कौन से वाले सम थे जहां पे आपको वैल्यूज नहीं दे रखी थी अब मैं लेके चलता हूं जहां पे आपको वैल्यूज दे रखी है अब मैं ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां पे आपको वैल्यूज दे रखा है जहां पे आपको वैल्यूज दे रखा है वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं सही आसो नो फ्रेंड जहां पे आपको वैल्यूज दे रखा है वहां पे मैं आपको लेके चल रहा हूं जहां पे आपको वैल्यूज दे रखा है वहां पे मैं आपको लेके चल रहा हूं ठीक है आ जाइए फ्रेंड्स आप दिस इज योर आप रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे आपको वैल्यूज दे रखा है बराबर बहुत अच्छे से करिए आप ये क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 14.7 क्वेश्चन नंबर फाइव एंड योर पेज नंबर 14.7 देखिए जरा एन इलेक्ट्रॉनिक फर्म विच हैज डेवलप्ड ए न्यू टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम हैज बीन आस्क्ड टू कोट फॉर प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर रिक्वायर सेपरेट प्राइस कोटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर 100 सेकेंड ऑर्डर 60 एंड थर्ड ऑर्डर 40 नंबर ऑफ फायर अलार्म सिस्टम द फर्म एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट मटेरियल 500 डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए हाईली ऑटोमेटिक 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 डिपार्टमेंट बी स्किल्ड लेबर 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 15 वेरिएबल ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब डिपार्टमेंट ए 8 रुपीज पर आवर डिपार्टमेंट बी 5 रुपीज पर आवर डिटरमाइन ए प्राइस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द थ्री ऑर्डर्स एज्यूमिंग द फर्म यूजेज ए मार्कअप ऑफ 25% ऑन टोटल कॉस्ट
ऑल्सो अलाउ फॉर 80% लर्निंग कर्व. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल एक्स 1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड वाई एज ए परसेंटेज. एक्स रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस टू डेट एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर. वाई इज द लर्निंग कर्व फैक्टर फॉर ए गिवन एक्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द इनिशियल ऑर्डर. द लर्निंग कर्व रेशियो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिपार्टमेंट बी नॉट फॉर डिपार्टमेंट ए. ये आप जरा ध्यान रखना. द लर्निंग कर्व रेशियो इज ओनली एप्लीकेबल. नाउ यहां से आपका स्टार्ट होता है नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये मैंने लिखा है आपको. द लर्निंग कर्व रेशियो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिपार्टमेंट बी नॉट फॉर डिपार्टमेंट ए. मैंने आपको क्या बताया था, इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन एफिशिएंसी. ह्यूमन की एफिशिएंसी में ही ये अप्लाई होता है, राइट. The learning curve ratio is only applicable for department B and not for department A. The learning curve ratio is only applicable for human and not for machine. जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जब ये एग्जाम में जब ये सम आया था तो स्टूडेंट ने क्या किया था कि लर्निंग कर्व रेशियो कहां पे लगा दिया, मशीन में भी लगा दिया, विच इज रॉन्ग. कहां पे लगा दिया, मशीन में भी लगा दिया, राइट. तो आप आ जाइए, देखो जरा फ्रेंड्स वन बाय वन सॉल्यूशन अपन ले लेते हैं. देखो दिस इज गिवन, ओके. नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके, ये आपका आएगा नंबर ऑफ बैचेज, ये आपका आएगा लर्निंग कर्व रेशियो, ठीक है. अब देखो पहला है आपका 100 का इनिशियल बैच, बराबर. अब x रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज x. x के बारे में क्या बोल रहा है, x रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड टू द डेट एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर. इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 आपके कितने बैच बनेंगे, इज 1. और आपका लर्निंग कर्व रेशियो क्या रहेगा, जो आपका नॉर्मल टाइम है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अब आपको दूसरा ऑर्डर आ रहा है 60, इसका मतलब आपका क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आपका क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 100 एंड बैचेज हो जाएंगे 1.6. लर्निंग कर्व रेशियो आपको क्या दे रखा है, लर्निंग कर्व रेशियो आपको दे रखा है 80%. लर्निंग कर्व रेशियो आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 80%, ओके. अब आपका 40, इट मींस आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस कम्स टू 2. इट मींस यहां पे नॉर्मल और यहां पे क्या लगेगा, 80% ऑफ नॉर्मल टाइम, 80% ऑफ नॉर्मल टाइम. ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y. ये आपका y क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस टू द डेट ऑफ एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर. y इज द लर्निंग कर्व फैक्टर, y इज द लर्निंग कर्व फैक्टर फॉर ए गिवन x वैल्यू एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट फॉर इनिशियल ऑर्डर. से यस ऑर नो फ्रेंड्स, y इज ए लर्निंग कर्व फैक्टर, ये आपका लर्निंग कर्व फैक्टर है, लर्निंग कर्व रेशियो है. इट मींस पहला ऑर्डर आपका 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 100 आपके कितने बैचेज बनेंगे, 1. तो 1 पे आपको जो इनिशियल जो टाइम लगता है वो लगेगा. लेकिन अगर आपने 60 और 40, इट मींस आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, 200. इसका मतलब अगर आपके बैचेस डबल हो गए, अगर आपके बैचेस डबल हो गए तो 80% ऑफ जो नॉर्मल टाइम है उसका लगेगा. लेकिन अब व्हाट अबाउट ये 1.6, तो 1.6 का मतलब क्या हो गया, अगर वो टेबल में फिट नहीं होता है, टेबल में क्या फिट होता है, 100 और 200.
टेबल में क्या फिट होता है, 100 और 200, ये आपका 100 है, ये आपका 160 हो गया, 100 प्लस 60, यहाँ पे 160 हो गया, ये 100 प्लस 60 प्लस 40, ये आपका 200 हो गया। तो अगर आपका प्रोडक्शन 100 है तो आपको नॉर्मल टाइम लगेगा, अगर आपका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, डबल होगा तो ही तो आपको 80% आएगा ना, लेकिन व्हाट अबाउट 1.6, इसका मतलब आपको लॉग टेबल, आप एग्जाम में हॉल में जाते ही बोलोगे लॉग टेबल प्लीज, 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 तो वो आपको क्या बोलता है कि नहीं भाई हम आपको लॉग टेबल नहीं देंगे, हम आपको लॉग वैल्यूज दे रहे हैं, इतना कौन देगा और कौन लेगा करके। तो लॉग वैल्यू क्या दे रखा है देखो जरा 14.7 पेज पे, अगर 1.6 आपका एक्स है तो आपको टाइम क्या लगेगा 86.1%। अगर आपका 1.6 है, एक्स आपका 1.6 है, तो वाई आपका क्या लगेगा 86.1%। ये एक तरह का है, और दूसरे तरह का भी आता है, वो मॉड्यूल के जो सम है उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। एक स्टैंडर्ड में सम दे रखा है और एक आपका प्राइसिंग डिसीजन में भी सम दे रखा है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज अगर गिवन है तो उनको कैसे यूज करते हैं। लेकिन किसी भी प्रोफेसर ने यह कवर नहीं किया है कि अगर वैल्यूज नहीं है तो उसको कैसे यूज करेंगे। तो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट को समझना आपको बहुत जरूरी है। आर यू फॉलोइंग ऑन ऑर्डर? बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर यू फॉलोइंग ऑन ऑर्डर? ठीक है, तो अगर आप ये बनाएंगे 60 बनाएंगे, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा 160, 160 डिवाइडेड बाय 100 आपका क्या होगा 1.6, तो 1.6 क्योंकि टेबल में, टेबल कब अप्लाई होती है जब आपका प्रोडक्शन डबल होगा, तो यहां पे डबल नहीं हो रहा है आपका प्रोडक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा 86.1%। यहां तक आप मुझे बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आएगा फ्रेंड्स कि लर्निंग कर्व रेशो, कसम खा लो आप लर्निंग कर्व रेशो, लर्निंग कर्व रेशो, मम्मा को जाके बोलना मम्मा यू नो प्रोफेसर दानी क्या बोला उन्होंने, लर्निंग कर्व रेशो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीन एंड नॉट फॉर मशीन, लर्निंग कर्व रेशो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीन एंड नॉट फॉर मशीन, लर्निंग कर्व रेशो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीन एंड नॉट फॉर मशीन, सही है सुनो, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए आप मुझे। ठीक है, अब आ जाइए आप फ्रेंड्स नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट वन, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन आर्स पर यूनिट टोटल लेबर आर्स डिपार्टमेंट ए, लर्निंग कर्व रेशियो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए में नहीं लगेगा बिकॉज दे आर हाईली ऑटोमेटिक, हाईली ऑटोमेटिक इट मीन्स 100 60 40 आर्स, आर्स आपको दे रखा 20 आर्स, इट मीन्स 100 इंटू 20 2000 आर्स, 60 इंटू 20 1200 आर्स, 40 इंटू 20 800 आर्स, ये किसका हो गया आपका डिपार्टमेंट ए, सही है सुनो। देन यू गो नोट नंबर टू, डिपार्टमेंट बी, यस यहां पे आपका लर्निंग कर्व लग जाएगा बिकॉज दिस इज हाईली स्किल्ड फर्स्ट।
प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इट मीन्स 100 × 1 एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लग रहा है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट बी 40 आवर्स, इट मीन्स 4000 आवर्स। नाउ प्रोडक्शन 60 यूनिट्स, इट मीन्स आवर्स फॉर 160 इंटू 40 आवर्स इंटू 86.1, लर्निंग का फैक्टर दे रखा ना, 160 इंटू 40 इंटू 86.1% इज 5510.4 माइनस आवर्स फॉर 100 इंटू 40 4000, इंक्रीमेंटल आवर्स विल बी माइनस 4000 इज 1510.4 और से सही आंसर ना फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो नोट, ये नोट नंबर टू, दिस इज डिपार्टमेंट बी, यस लर्निंग कर्व एप्लीकेबल, 100 यूनिट्स, 100 × 40 = 4000, प्रोडक्शन 60 यूनिट्स, आवर्स फॉर 160 × 40 = 86.1, दिस आवर्स फॉर 100 × 40 = 4000 सही आंसर ना फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो नोट। अब आपका बचा इफ प्रोडक्शन इक्वल टू प्रोडक्शन इक्वल टू 40 यूनिट्स, इट मीन्स आवर्स फॉर 200 यूनिट्स, 200 × 40 × 80%, 80% लर्निंग कर्व हो जाएगा ना एप्लीकेबल, 200 × 40 × 80% इज 6400 आवर्स एंड आवर्स फॉर 160, आवर्स फॉर 160 इज 5510.4, 6400 − 5510.4 is 889.6 or say 890, सही है सुनो, ये आपका क्या हो जाएगा 890, परफेक्टली क्लियर है नोट, बोलिए प्रॉपर है, तो ये आपका, क्योंकि आपका ये 200 यूनिट्स अगर आप बनाएंगे तो डबल हो गया प्रोडक्शन, आपका इनिशियल प्रोडक्शन कितना था 100, डबल इंटू 40, 80%, 6400, आवर्स फॉर 160, ये एंड ये आपका सही है सर। इफ प्रोडक्शन इक्वल टू 40 यूनिट्स, ठीक है। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 इज लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 100 नंबर्स, देन 60 नंबर्स एंड 40 नंबर्स, सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके, देन
डिपार्टमेंट ए में हमारे कितने आवर्स लग रहे हैं? 2,000, 1,200, 800 डिपार्टमेंट ए, ओके 2,000, 1,200 and 800 व्हाट इज द रेट पर आवर इन डिपार्टमेंट ए? 10 रुपीज. 20,000, 12,000, 8,000 डिपार्टमेंट बी. डिपार्टमेंट बी में हमारे आर्स क्या है? 4,000, 1,510, 4,000 round off करके 1,511 and 890. What is the rate per hour? The rate per hour is 15 rupees. Total 80,000. Then 12,000 plus 22,665. 34,665. 8,000 plus 13,350, 21,350. सही है सुनो, ये आपका हो गया नोट नंबर 3. नेन नोट नंबर 4. नोट नंबर 4 इज ए वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड 20 वेरिएबल ओवरहेड इज 20% ऑफ लेबर. इट मींस 80,000 का 20% 34,665 का 20% 21,350 का 20%. It means 16,000. 34,665 into 20% is 6,933. 21,350 into 20% is 4,270. 16,693,427. Note number 5 is a fixed overhead. Department A, Department B. 2,000 hours, 4,000 hours. Rate per hour is 8 and 5. 16, 20, 36, 1,200 hours. 1,200 hours. 1,511 hours into 8 and 5. 1,200 into 8, 9,600, 1,511 into 5,
9600755 17155. Then 800 800 and 890. Rate per hour is 8 and 5. 6400 890 into 5. 6400 4450 6400 4450 10,850. It is clear or not? क्या हो जाएगा आपका? दिस इज ए लेबर कॉस्ट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, नोट नंबर 4 वेरिएबल ओवरहेड, नोट नंबर 5 डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, टोटल कॉस्ट 8034, दिस 1669, दिस 3617 एंड दिस. सही है? सुनो, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? परफेक्टली क्लियर? बोलिए. अब आपके नोट हो गए, नोट 3, 4 and 5. अब कॉस्ट शीट बना लीजिए. अब एक 100 के लिए बनेगा, एक 60 के लिए, 40 के लिए. सही है सोनो फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर हो नॉट? तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन था बोलो? ये कौन सा वाला क्वेश्चन था जहां पे आपको लॉग वैल्यूज दे रखा है? ओके, ये एक तरह का दे रखा है, एक दूसरे तरह से और देता है लॉग वैल्यूज. वो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं आपको कराऊंगा और एक मैं आपको प्राइसिंग के टाइम पे करा दूंगा, राइट? कि जहां पे अपने को दे रखा है. इनका एप्लीकेशन मेन आता है, बेसिक मैंने यहां करा दिया, एप्लीकेशन अलग. तो इंस्टीट्यूट एक और फॉर्मूला यूज करता है, वो मैं आपको वहां पे कवर अप करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बता दूंगा करके ना कि उसमें क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज किया हर टॉपिक में. तो आपको पहले मैंने बेस करा दिया, इस बेस को लेके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करके. तो एक आपका और पार्ट बचा जिसमें आपको लॉग वैल्यूज एग्जाम में देके रखते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, दैट इज सिमिलर टू दैट पहला वाला मेथड. ओके, अब आप आ जाइए. सो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट. स्टेटमेंट स्टेटमेंट showing cost sheet. Okay. टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट. ओके, प्रोडक्शन 100 नंबर्स, 60 नंबर्स, 40 नंबर्स. Direct cost, direct material. What is the direct material cost? Is 500 per unit cost, 500 per unit cost, 500. So 100 into 500 is 50,000. 60 into 500 is 30,000. 500 into 40 is 20,000. Then
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिफर योर नोट नंबर वन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यू रिफर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नोट नंबर थ्री। नोट थ्री डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों ने निकाला था 80,000, नोट नंबर थ्री में निकाला था ना फ्रेंड्स, 34,665 एंड 21,350। टाइम कॉस्ट 50 + 80 130 डिवाइडेड बाई 100 1300 800 30,000 34,665 डिवाइडेड बाई 60 1077.75 577.75 21,350 + 20,000 is divided by 40 is 1033.75 - 500 = 533.75 Then indirect cost, variable overhead, note number 4, variable overhead, note number 5, fixed overhead, calculate किया था ना, वेरिएबल ओवरहेड क्या था फ्रेंड्स अपना 16,693 4,270 देन फिक्स्ड ओवरहेड 36,17,155 and 10,850 This is factory cost. 130 + 36 + 16 182 / 100 is 1820 16,000 / 100 is 160 36,000 / 100 is 360 6933 divided by 60 is 115.55 17,155 / 60 is 285.91 64,665 + 6933 + 17 188,753 divided by 60 is 1479.22
46 470 डिवाइडेड बाई 40 1411.75 4270 डिवाइडेड बाई 40 इज 106.75 10850 डिवाइडेड बाई 40 इज 271.25 फैक्ट्री कॉस्ट देन एड प्रॉफिट व्हाट इज द प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट 182,000 इंटू 25% इज 45,500 सेल्स वैल्यू 182 इज डिवाइडेड बाय 100 45,500 डिवाइडेड बाय 100 इज 455 88,753 इंटू 25% 22,188.25 टोटल 110,941.25 डिवाइडेड बाई 60 1849.02 22,188.25 डिवाइडेड बाई 60 369.81 56,470 इंटू 25% 14,117.5 प्लस 56,470.87587.5 डिवाइडेड बाई 40,1764.68 माइनस 14,111.75 352.937 सही है सुनो फ्रेंड्स परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ओके तो मैंने फ्रेंड्स आपको तीन तरह के क्वेश्चन अभी तक कवर अप करा दिए पहला वाला जो अगर टेबल में फिट हो जाता है 1, 2, 4, 8, 16, 32 दूसरा वाला अगर लॉग का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करके लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सिखाया कि अगर लॉग का वैल्यू अब इसके अलावा इंस्टीट्यूट और एक देता है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक समय में वहां पे कराऊंगा और प्राइसिंग डिसीजन में भी एक समय वहां पे करा दूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा वो सब भी इतना आप प्रैक्टिस करके रखिए ओके तो अपने को स्टार्ट कैसे करना है सबसे पहले आपको लर्निंग कर्व थ्योरी सीखना है फर्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज ए लर्निंग कर्व थ्योरी क्योंकि ओआर का जो है वो एप्लीकेशन है बाकी के टॉपिक में तो लोग क्या करते हैं अरे उस टाइम आता है हल्के से और उसमें 20 मार्क्स 16 मार्क्स 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन निकल जाता है ओके आप मुझे व्हाट्सअप करके मेल करके फोन करके व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट है व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर 9820030925 आप मुझे कुछ आइडिया दीजिए कि मैं आपको कैसे हेल्प देखो फ्रेंड्स मंडे टू फ्राइडे में काफी बिजी रहता हूँ तो फॉर मी इज नॉट पॉसिबल बट फिर भी मैं सैटरडे संडे में जितना फास्ट होगा जितना कवर अप कर सकता हूँ उतना मैं कवर करके आपका ये क्रैश कोर्स आपने जो डिमांड की है जो मेन जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं आपको कवर करके देता हूँ ओके तो आप बताते रहिए थैंक यू वेरी मच इसमें अपन डीकेसी प्लस करेंगे कि आपका एक ये जो बेसिक सम्स में करा देता हूँ प्लस मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट सम है वो मैं वीडियो में ले लूंगा बाकी के मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा पर आप कमेंट करके जरूर आप मुझे बताते रहिए कि आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा है ओके थैंक यू